किसी घर में अगर दो बेटे हों तो उनकी माँ चाहती है कि वो राम लक्ष्मण की तरह रहे और इस माँ की भी यही इच्छा है। ये है राम, गुड बॉय का वारंटी कार्ड। स्कूल में सभी इसे ही फॉलो करते हैं। तुम सारे लोग गैंग बनाकर क्यों आए हो? उस लड्डू से तुम्हारा भाई बात कर रहा है। उससे क्या? वो लड्डू चोरी करते पकड़ा गया था। दो दिन तक उससे बात नहीं करनी है, ऐसी टीचर ने उसे पनिशमेंट दी थी, फिर भी तुम्हारा भाई उससे बात कर रहा है। तू अगर कहेगा तो वो मान जाएगा। ओ लड्डू, तू रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। तू फिक्र मत ए लक्ष्मण, इधर देख लक्ष्मण। कॉल मी लकी, जस्ट लकी, लकी। और ये है लक्ष्मण, जिसने अपना नाम लकी रख लिया, जो है बदमाशों का ब्रांड एम्बेसडर। टीचर ने उसे बात करने से मना कर दिया है। तू क्यों बात कर रहा है? ये मेरा फ्रेंड है, मैं बात करूंगा। अब मैं कह रहा हूँ उससे बात मत कर। तू मेरा बाप है जो तेरी सुनू। चल निकल। गधे, बड़े भाई से जुबान लड़ाता है। अरे उससे कुछ तो सीख, बेकार लड़कों से बातें करता है। वो मेरा फ्रेंड है, उससे बात करने में क्या बुराई है? तू मुझे भी उल्टा जवाब दे रहा है। ये तो ना मारने से पहले ही ड्रामा कर। राम हैप्पी क्योंकि उसका ईगो सेटिस्फाई हुआ। लकी हुआ अनहैप्पी जिससे उसका ईगो बढ़ गया। भगत सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं वो लिखिए। राम पढ़ाई में फर्स्ट है और लकी भी फर्स्ट है, लेकिन मस्ती में। दिन रात फिल्में देखता है और बचे हुए समय में मटर गश्ती करता है। तो सोचिए परीक्षा में वो क्या लिखेगा। तुझे तो वाय, क्यों मार रहे हो? बता कर मारो ना पापा। तू जैसे गधे को पैदा किया इसलिए। परीक्षा में तुझे क्या लिखने को कहा और तूने क्या लिखा? उन्होंने भगत सिंह के बारे में लिखने बोला तो लिखा। उन्होंने शहीद भगत सिंह के बारे में लिखने को बोला, फिल्म के भगत सिंह अजय देवगन के बारे में नहीं। मैं शहीद भगत सिंह को नहीं जानता। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। कथा कहेगा। ओह माय गॉड, मेरी सारी राइट रॉन्ग है और उसका सब कुछ राइट राइट राइट। ऐसा लकी का मानना है। दोनों की सिचुएशंस भी ऐसी। राम रिंग में फाइट करता है तो लकी रिंग रोड पर फाइट करता है। राम ट्रॉफी लेकर घर आता है तो लकी जख्म लेकर। ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ से आ रहा है तू? कल ही तो आपके जूते से मार खाई थी पापा, और अब ये चेन। संडे को तो रेस्ट कर लिया कीजिए। ये क्या है बेटा, रोज पापा के हाथ से मार खाते हो? भैया जैसे काबिल क्यों नहीं बनते? उसके जैसे पढ़ाई क्यों नहीं करते? अरे माँ जरा सोचो, अगर एक जैसा होना होता तो हम दो क्यों होते? और वैसे भी वो पापा का लाडला है तो मैं अपनी माँ का प्यारा बेटा हूँ। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ऐसी गलत बातें नहीं सोचते बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें राम लक्ष्मण की तरह रहना चाहिए। अरे छोड़ो माँ, मैं लकी हूँ लक्ष्मण नहीं, और वो राम नहीं रावण है। ये कलयुग है, अगर समझाना है तो उस दशरथ को समझाओ कि रोज रोज मुझे मारा ना करे। परिस्थितियाँ चाहे जो, इनकी माँ चाहती है कि ये दोनों राम लक्ष्मण की तरह रहे। राम सिंसियर है क्योंकि वो किताबों को फॉलो करता है। आदर्श जीवन को अपनाने वाला राम और अपनी मनमर्जी से चलने वाला लकी, देखते हैं इनका क्या होता है। I proudly announce Mr. Ram to be our SCP. Mr. Sami to be our SCP. Are you happy, Ram? बिल्कुल नहीं। प्रेशर होते हुए भी जब शिवा रेड्डी को हराऊंगा, सलाखों के पीछे डालूंगा, तब मैं खुश होऊंगा। यस राम, चाहे प्रेशर कितना भी हो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। शिवा जैसे लोग राजनीति में नहीं आने चाहिए। सबका खुलासा करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। गुड लक।
अरे अरे बेटा स्कूल जाना। मुझे नहीं जाना। बड़ी मुश्किल से तेरे लिए फीस भरी है। फीस क्यों भरी? मैंने थोड़ी कहा था। करते भाई। बड़े भाई। हाँ, बड़े भाई क्या प्रॉब्लम है? पढ़ाई नहीं करना चाहता। अच्छा? नहीं चाहता। ओह माय गॉड, तू नहीं करेगा तो हम चुप रहेंगे क्या? इसे पकड़ कर ऐसे फेंकेंगे। यह वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? बस पे पहुँच गया। तुम्हारे खिलाफ मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। ऐसे क्यों फेंक दिया तूने? और नहीं तो क्या, मेरे बेटे को बिगड़ता हुआ देखो। लकी का बेटा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? मेरे जैसा होना चाहिए। आ? जो अंबानी बनने का सपना देखे। फालतू चीजों का टेंशन लेते हो बड़े भाई। देखो आप जाकर आराम करो, मैं घूम कर आता हूँ, शाम को मिलूंगा। ये आपका बड़ा बेटा है, सच में बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हें ऐसा लगा? मेरी बदकिस्मती, एक बार हमारे होटल आया था, दो चाय लाता हूँ, अगले दिन फिर आया, चार चाय देना, चाय मस्त आएगी। वो इतने दिन से आ रहा है तो प्यार से एक शब्द बोल दिया, तब से हमसे जुड़ गया। ऐसा कौन सा शब्द बोल दिया जी? फ्लैशबैक देखो। कैसे हो बेटा? क्या कहा? कैसे हो बेटा ये पूछा। क्या हो बेटा? मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे जहन्नुम में जाने के लिए कहा, लेकिन कभी कैसे हो बेटा नहीं पूछा। आज आपने मुझे बेटा कह के पुकारा है तो आज से मैं आपका बेटा और आप मेरे बड़े भाई। बड़े भाई। रो मत, रो मत। और आज से आप मेरी भाभी हुई और तू मेरे बेटे जैसा। ये होटल एक मंदिर है, हमारा रिश्ता अटूट है। आप दोनों राम सीता और मैं लकी। ये देखकर बहुत इमोशनली कनेक्ट हुआ और सोचा कि ये सेंटिमेंटल फेलो है। उसके बाद ही पता चला कि मुझे और मेरी फैमिली को अपनाकर मेरी बजा रहा है। जब उसे भूख लगती है जरा ऊपर देखो, मेरी चाय की दुकान उसके लिए रेस्टोरेंट बन जाता है। अपने दोस्तों के साथ जब दारू पीनी होती है तो ये बार बन जाता है। जब भी पैसे की जरूरत होती है तो बैंक बन जाता है। ना चाहते हुए भी हमारी तीन की फैमिली चार हो गई और तब से ही अपने प्यार से मुझे मार डाल रहा है। उससे कोई भी मिलता है तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है। इसको समझना इतना आसान नहीं है, ब्रह्मा भी बना के कंफ्यूज हो गया होगा। इधर क्या लिखा है? डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्राइव नहीं करेगा तो मैं पकड़ लेके जाएगा। हट साला, लॉजिक वाला बोर्ड निकाल, हट दे। बोलो भैया। ओह माय गॉड, नमस्ते सर, ये गिर रहा था तो मैंने पकड़ लिया सर। मैं आपके भाई का दोस्त हूँ सर। तेरी तो भाई का दोस्त है। माँ कॉफी। कॉफी बनाओ। माँ चाय। हाँ पहले चाय बनाओ। इसकी तो जलता है। राजनीति में कदम रखने वाले हैं शिवा रेड्डी। साला चोर क्या कदम रखेगा, खा जाएगा सब। गुंडे भी अब राजनीति में घुस जाएंगे। पुलिस क्या कर रही है? ए, कुछ भी छाप दे। अरे बाप रे, 500 रुपए की रिश्वत लेता पकड़ा गया कॉन्स्टेबल। चीप, वेरी चीप। चाय। चोरी के पीछे ऐसा है कहा दर्द तेरे की। छी है मंगला, पेपर हटा दो यार यहाँ से, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा। सुबह सुबह पेपर उठा कर देखो तो चोरी, पुलिस, ये सब क्या है? ओह माय गॉड, मैं तो घर पर बैठकर पूरा दिन टीवी देख सकता हूँ लेकिन पुलिस की नौकरी करना ना बाबा ना। टूट गया, अब इसका क्या फायदा? क्यूट, कितना मजा आ रहा है। गोली और बंदूक भी फेंक दे। ए, ये क्या? दे दिया था। हाँ भूल जाती हूँ। बादाम का उपमा पापा के लिए दे आओ। मेरे पापा को बादाम का उपमा पसंद है लेकिन उनके बेटे को उपमे के अंदर के बादाम पसंद है। ठीक वैसा जैसे माँ ने बनाया। बादाम और उपमा, अंदर कोई है? पापा बादाम वाला उपमा। बादाम में कोलेस्ट्रॉल होते हैं। वो वहाँ रखते हैं, तेरे लिए नहीं है। पापा वो बात क्या है बता। वो क्या है ना, वीसा। किस लिए? मेरी अमेरिका जाने की तमन्ना है। तो तुझे पैसे की जरूरत है? पैसे की बात नहीं है पापा, वीसा के लिए बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है। तेरा मस्का पॉलिश मुझे मत लगा, पैसे चाहिए तो भैया से मांग ले। वो कमीना क्या पैसा देगा। क्या कहा तू? निकाली थी आपको कितनी बार कहा मैं गाली खाऊंगा। ये क्या सिगरेट इतनी कैसे हो गई? पापा मैं छोटा मुंह बड़ी बात कहूँ तो बुरा नहीं मानेंगे ना? हाँ बोल। आप सिगरेट पीना थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ? आपके
आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और तू जो मेरी सिगरेट पीता उससे तेरी तबीयत ठीक रहेगी। भागो यहां से। ये तो गया। पुलिस वालों की दो नहीं चार आंखें होती है। हैरी पॉटर, शहर में बहुत क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, जाकर उन्हें पकड़ो। मेरे दोस्तों को मारने में क्या बहादुरी है? आवारा की तरह इधर उधर मटर गश्ती करता रहता, घर के काम में हाथ नहीं बटा सकता। ऐसे कामों के लिए पैदा नहीं हुआ। शर्म नहीं आती तुझे? आती है ना तुझे भाई बुलाने में। ए, 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 तुम दोनों फिर शुरू हो गए? तुमसे अच्छे तो वो टॉम एंड जेरी है, कुछ समय तो मिलकर रहते। राम तुम जाओ। अरे वाह, कितनी मोहब्बत है इन दोनों में। ये दोनों कब मिलकर रहेंगे? अब तो इतने बड़े हो गए हैं दोनों, फिर भी झगड़ते हैं। मजाक में ये दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अगर ये मजाक है तो कोई बात नहीं जी, लेकिन राम लक्ष्मण सचमुच झगड़ने लगे फिर क्या होगा? शिवा रेड्डी, शिवा रेड्डी, शिवा रेड्डी। जमीन का कब्जा और 65 मर्डर किए हुए, एक्सटॉर्शन, ड्रग डीलिंग, ऐसे और भी धंधे हैं। पॉलिटिशियन से मिलकर करोड़ों रुपए कमाकर तीसरे को बेनामी बनाकर तुम खुद छिपे हुए बैठे हो और अब राजनीति में आ रहे हो। एक एक केस पर 100 गवाह रेडी किए हैं, तेरा बचना तो नामुमकिन है। यू आर फिनिश्ड। तुझ जैसे कमीने को जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए। अरे क्या है इस ड्रेस का पावर? इस ड्रेस को शरीर पर पहनते ही मैं खोल गया, ब्लड उबल रहा है। अरे खून खोल उठा। ये है ओरिजिनल। तुमने जो भी अपने माइंड में मुझे बोलने का सोचा होगा मैं बराबर वही बोला ना? तूने सब कुछ बराबर कहा, लेकिन एक छोटा सा करेक्शन है। तुझे जिंदगी भर जेल में नहीं डालूंगा। तुझे नंगा करके बीच सड़क कुत्ते की तरह दौड़ाकर मारते हुए स्टेशन ले जाकर गन पॉइंट पर तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। ये है ड्रेस पावर, ये है ड्रेस पावर। ऐसी तेरी वर्दी की जुबान है, लेकिन इस वर्दी के ऊपर एक और वर्दी है और उसी वर्दी में है असली ताकत। मैं शिवा रेड्डी ये शपथ लेता हूँ कि मैं शासन द्वारा निर्मित भारत के इस राज्य में अपने पूरी ईमानदारी और विश्वास से अपने कर्म को करके दिखाऊंगा। भगवान को साक्षी मानकर मैं कसम खाता हूँ, पहले मंत्री उसके बाद मुख्यमंत्री। ये तुम्हें कैसा लगा? साला इसके लिए मैं 2 साल से गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा आदमी बनकर जनता की सेवा कर रहा हूँ। लोग अच्छा शिवा रेड्डी, क्लीन शिवा रेड्डी समझे मुझे। सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मां कसम खाता हूँ। अरे तुम लोग भी मुझे सपोर्ट करो ना, नहीं तो मरेगा तू। मुझ जैसे कितनों को मार सकता है? डिपार्टमेंट में कदम कदम पर तुझे मुझ जैसे मिलेंगे। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट मिलकर जब बीच रास्ते तुझे गोलियों से भून देंगे ना, तब तब आएगा असली मजा। साला जनता का सेवक शिवा रेड्डी किसी को नहीं मार सकता, इसे छोड़ने का सोचा था। मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैंने बापू को वादा किया है मैं नहीं मारूंगा। तू मारेगा। पुलिस की ट्रेनिंग में टॉप रैंकर, ड्यूटी में सबसे आगे, फैमिली में सबसे पीछे, शूटिंग रेंज में टॉपर, छोटी सी चुटकी पर भी अलर्टनेस, ऐसा ऑफिसर सर्विस रिवॉल्वर क्लीन करते हुए मर गया। तुम फिक्र मत करो, इसका इंसाफ करने कोई ना कोई आएगा, जरूर आएगा। ओह माय गॉड, क्या लड़की है। ओपन योर हार्ट, घुस जा बेटा लड़की। क्या कर रहा है लकी, बात कर यार, कुछ बोल। बचाओ। अच्छा यार, इस लड़की में कितनी हिम्मत है, और तू है कि डरपोक को जैसी हरकतें कर रहा है तू। फिर शुरू हो गई। रुक जा, मैं मेरी माँ का एक लौता बेटा हूँ, एक भाई है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। रुक जा। ओह माय गॉड, ये इतनी शांत कैसे खड़ी है?
मुझे तो लगता है भूतनी या चुड़ैल होगी। टेस्ट करना पड़ेगा। Are you okay, ma'am? Are you okay, sir? साले चिरकुट तेरा ओके रख तेरी पैंट की पॉकेट में। तुम लोग लिफ्ट को मेंटेन क्यों नहीं करते बे? मेरी बात अलग है। लेडीज कितनी डर गई थी मालूम? आप तो बहुत बहादुर हैं। I'm lucky. And you? भावना। चेहरे पर भावना नहीं है और माँ बाप ने नाम भावना रख दिया। क्या कहा? पवन कल्याण। ये फिल्म बहुत फनी है ना? आप रिएक्ट नहीं कर रही? पवन कल्याण पसंद नहीं है क्या? इनके लिए तो मैं पागल हूँ। तो फिर इस सीन पर आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? मैं हंसी थी। हंसी थी? साइलेंट मोड हो। आप कहती हैं पवन कल्याण की फैन है और उनके गाने को एंजॉय नहीं कर रही हैं। आपको तो इस वक्त डांस करना चाहिए। मैं डांस कर रही हूँ। डांस कर रही है? मुझे दिख क्यों नहीं रहा? देखना क्या है इसमें? मैं डांस कर रही हूँ। डांस कर रही है? लेकिन कहाँ? इनसाइड। क्या कहा? अपने मन में। ओह, पागल है। मतलब आप जो पहले हंसी थी वो भी अपने मन में हंसी थी। पर आप लिफ्ट में घबराई नहीं? आपसे हजार गुना ज्यादा घबराई थी। क्या वो भी इनसाइड? ये भी पागल, मैं भी पागल, खूब जमेगी। ये इनसाइड हंसना और मन में डरना कॉन्सेप्ट क्या है? इस वायर के अंदर क्या है? करंट है। कहाँ है? वायर में। दिखाओ मुझे। ओह माय गॉड, ये लड़की तो तुझसे भी दो कदम आगे निकली लकी। हेलो, कैसे हुआ? कहाँ? ओके, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ मैडम? मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। सेब काटते हुए हाथ कट गया क्या? उन्हें ट्रक ने टक्कर मार दी, अभी आईसीयू में। तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया तो तू कैसे रिएक्ट करेगा? मेरे माँ का एक्सीडेंट हो गया। ये होता है रेगुलर रिएक्शन। पर वो साली तो सुख करके निकल गए। मेरी माँ का भावना। करेक्ट है, करेक्ट। दिखने में तो परी जैसी लगती है लेकिन एकता मलक। ए चुप है, बैठो बैठो। इतना क्यों डर रहे हो तुम लोग? पुलिस वाले अपने घर में अपने पैसों से मम्मी डैडी जाने के बाद अपन पार्टी दे रहा है, पुलिस वाला क्या करेगा? लाइव एंजॉय करने का तो लकी की तरह फिट फुट होने का। साला कुछ लोग को तो जीने का कैसा वो ही नहीं मालूम। उनके दोस्त नहीं है, उनका आइटम नहीं है, एंजॉय करना नहीं आता। ऐसे लोग को देख के बहुत दुख होता है। ऐसे लोगों के लिए एक बार चेयर्स। ए वर्मा, इमीडिएटली अपने साथियों को लेकर मेरे घर आ जाओ। ओके सर। इमीडिएटली। तुम सब लोगों को मैं पार्टी दे रहा हूँ, अब हम सब फ्रेंड्स हैं। सर। ए, बैठ जाओ। आज हम सब लोग फुल एंजॉय करने वाले हैं। एंजॉय का मतलब क्या होता है, आज हम लोफर गैंग को दिखा देंगे। वहाँ पर चीप शराब है, यहाँ पर कॉस्टली स्कॉच। थैंक यू सर। पहली बार दारू पी रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। अपने साथ तो सुधर गए। चीयर्स। कम ऑन, हम लोगों को देख कर रोएंगे। तुम लोग को देख कर रोऊंगा। अभी देखता हूँ कौन रोएगा। हेलो, दारू डाल। ए मानसी, हमेशा डिस्को डिस्को करती रहती है ना, आज घर पर डिस्को करेंगे। दोस्तों को लेकर यहाँ आ जा। गुड मॉर्निंग सर। यूनिफॉर्म की बेइज्जती की है तुमने, इस तरह दारू पीकर इन लड़कियों के साथ नाच गा रहे थे तुम लोग, पुलिस वालों की नाक कटवा दी तुमने। क्यों भाई राम सर, ये सब क्या है सर? तुम ऐसा कुछ बेहुदा काम करोगे ये मैं सोच भी नहीं सकता। भला उस आदमी का जिसने मीडिया के बजाय मुझे फोन किया। आपको समझो, तुम्हारा डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा नाम है, उसे यूं खराब मत करो। ठीक। बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा, मैं भूलूंगा नहीं। हा? बस एक बार मेरे हाथे चढ़ा। कॉमेडी करता है। चल बे। तुम्हें वीजा के लिए पैसे चाहिए थे ना, ये लो 10 लाख।
थैंक्स डैडी। थैंक्स मुझे नहीं, अपने भैया को बोल। आप ही जाकर उसे थैंक्स कह दीजिए। तेरे लिए पैसे लिए बोलूंगा तो गोली मार देगा। ओह माय गॉड। ये पैसे सिर्फ डिपॉजिट करने हैं, वीजा मिलते ही पैसे लौटा देना। ना के लिए गर्दन हिला रहा है, पैसे नहीं लौटाएगा। क्या पापा, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? चुप हो जाओ और जा। 10 लाख है सर। सर सर मेरी आँख फड़क रही है सर, मुझे डर लग रहा है, पैसे सेफ तो है? हाँ टाटा, 100% सेफ है, मजाक लगा रखा है, अंग्रेजों के जमाने का बैंक है। ओह, और अगर बैंक लूटने कोई आया तो? मास्क क्लोज। अब पहचानो मैं कौन हूँ। बस तुम कौन हो? देखा तुमने, नहीं पहचाना। ए, ए, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, ये तो बोलूंगा तुमका। स्पाइडरमैन की तरह जा और लॉकर से पैसे लेकर आ। ए, कोई नहीं लेगा। तू, तुझे स्पाइडरमैन क्या कहा? उड़ने लग गया, जा जल्दी पैसे लेकर आ। आपने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या करे, गलती इंसान से ही तो होती है ना। ए, तुम दोनों क्या खुदुर फुदुर कर रहे हो? तुम्हारी काबिलियत पर इनको शक है। शक है? इधर आ बे बुड्ढे, तुझे मुझ पर शक है? बुड्ढा डर गया। मुझे देखकर सब डर जाते हैं, इसका मजा ही कुछ और है। आई लव पटुलो। तुम लोग क्यों खड़े हो? तुम लोग भी डरो। डर के आगे मेरी जीत है। डरो डरो। डर लग रहा है? लेकिन कहाँ? अपने मन में। मजाक कर रही है? तुमने देखा, इसे कहते हैं घबराना। मैं तो इनसे भी ज्यादा घबरा रही हूँ। मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तू डरना, मैं तेरी आंखों में डर देख जाता हूँ। मेरा भरोसा कीजिए, मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ। भाई, ये डरे या ना डरे, हम अपना काम करके निकलते, पुलिस आ गई तो? देख छोटे, अब बात मेरे ईगो पर आ गई है। ले देख। मेरी फेस वैल्यू अभी तक कम नहीं हुई है। लोग मुझसे डर कर बेहोश हो रहे हैं और तू क्यों नहीं डर रही है? डर मुझसे? सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। डर मुझसे? डर मतलब मेरा ही नुकसान क्यों होगा? डरती है या नहीं? हाँ, ये कहाँ गई? मैं काम कम करोगी क्या? हाँ करूंगी जी। मेरे लिए सिर्फ एक बार डर जाओ ना। ओके जी। तो फिर डर रही हो? तुम्हें डर लग रहा है? मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा? मुझे ले चलो, मैं थोड़ा खड़ा हो जाऊंगा। हेलो, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तुम क्या पागल हो, उसे परेशान क्यों कर रही थी? थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया। तुम लोग सभी चीजों के लिए इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? हा? मेरी तरह नॉर्मल रह सकते हो ना? तुम नॉर्मल हो? लोग इसे पागलपन कहते हैं। अरे बाप रे, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स कैसे संभालते होंगे तुम्हें? मेरी फैमिली में सब वैसे ही है जैसे मैं हूं। ओह माय गॉड, फैमिली पैकेज है क्या? तुम्हें ऐसा बनाने वाले साइको का नाम क्या है? मेरे पिताजी मिस्टर बीन प्रकाश, हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उनकी लाइफस्टाइल, उनके तौर तरीके बहुत सिस्टमैटिक है। अनहेल्दी फूड को और अनहेल्दी बातों को मेरे पापा पसंद नहीं करते। जब भी मैं तुझसे अपने पैसे मांगता हूँ तो कुछ ना कुछ बहाना करके मुझे डाल देता है, कुत्ते के पिल्ले। उस ड्राइवर ने हमारे घर में गाली देने की हिम्मत की है, निकाल दो उसे। कुत्ते के पिल्ले गाली है? अगर तुम्हारे पापा मेरी भाषा सुनेंगे गन में साइलेंसर लगाकर खुद को ही गोली मार देंगे। हमारे घर में सब कुछ टाइम पर होता है, साइलेंटली होता है। नॉइस पोल्यूशन मेरे पापा पसंद नहीं करते। सॉरी। कैसे पागल है? तुम लोगों की लाइफ में कभी बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला दिन नहीं आया है क्या? हमने जब लास्ट बॉल पर वर्ल्ड कप जीता था, आपने जैसे एंजॉय किया वैसे ही हमने किया। Absolutely magnificent. Tony finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The party started. किस ग्रह से आए हो तुम लोग? घर पे एंटरटेनमेंट कैसे होता है? एवरी वीकेंड हमारे घर पर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है। उस दिन हम सब मिलकर बहुत हंसते हैं। अरे बहुत हुआ, बस कीजिए, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत हंसी आ रही है। मैडम कब हंसी? रुको, मैं बेहोश हो जाऊंगा।
हमारे इमोशंस और हमारी बॉडी पर जितना कंट्रोल होगा, इस दुनिया पर भी हमारा उतना ही कंट्रोल होगा। कंट्रोल क्या खाक होगा, खुद के फेस पर एक्सप्रेशन नहीं आते होंगे, इसीलिए ये बकवास कॉन्सेप्ट बना लिया। शट योर माउथ, ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। क्या ए, तुम्हारे पापा फैमिली चला रहे हैं या आश्रम चला रहे हैं? देखो, खुशी हो या गुस्सा, दोनों बाहर आनी चाहिए। अगर अंदर रहेंगे तो बॉडी डस्टबिन बन जाएगी। बाय। ए भावना, तुम बहुत खूबसूरत हो, थोड़ी भावनाएं लाओगी तो और खूबसूरत लगोगी। मेरे दिल की भावना को इस भावना तक पहुंचा कर ही रहूंगा। जिसको मन चाहे उसे टिकट देंगे तो पार्टी का क्या होगा सर? शिवा रेड्डी एक गुंडा है, एक गुंडे को पार्टी टिकट कैसे दे सकती है? अरे क्या बात कर रहे हो, वो दो साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। ऐसे इंसान को पार्टी का टिकट देंगे तो हमारी पार्टी की इमेज खत्म हो जाएगी। उस पुलिस वाले का बाप है। मेजोरिटी अगर देखी जाए तो शिवा रेड्डी को टिकट देने के खिलाफ है, ठीक है ना? नमस्कार, नमस्कार, और सभी को शिवा रेड्डी का हार्दिक नमस्कार। पार्टी के लीडर को और दिल्ली से आए हुए सभी को मेरा विशेष नमस्कार। हाँ नमस्कार। इस बार मुझे पार्टी से एमएलए टिकट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हे, देख क्या रहे हो, अरे सभी को मिठाइयां बांटो भाई। ठीक है भैया। थैंक यू। ये तो जबरदस्त। बात को गले में ही रोक ले, दिल में जो है उसे दिल में ही छुपा ले, उसे बाहर मत आने देना। अगर बाहर आ गया तो तुम लोगों के कारनामे बाहर निकाल कर तुम्हारा भविष्य खराब कर दूंगा। कितनों को जिताया मैंने इस पार्टी में, अब इस पार्टी को मेरा हिसाब चुकाने का मौका मिला है। इस बार इस माधव शिवा रेड्डी को पार्टी का टिकट कन्फर्म है, दैट्स फाइनल। मैं घर जाकर जब तक टीवी ऑन करूंगा तब तक ये न्यूज पूरे राज्य में फैल जानी चाहिए। ओके, क्या बोल रहा था? बोल। अरे बोल ना, मुझे टिकट मिलेगा या नहीं? शिवा रेड्डी, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? शिवा रेड्डी, कितने मर्डर किए तुमने, कितने अपहरण किए तुमने, लेकिन तुम पर केस करने की किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई। इतने दमदार नेता को टिकट नहीं देंगे तो फिर किसको एमएलए का टिकट देंगे हम? 100% तुम्हें ही एमएलए का टिकट मिलेगा। और बताओ क्या चाहिए? थैंक यू। सचमुच में बड़ाई कर रहे हो या फिर मैं सच बात कह रहा हूँ शिवा रेड्डी, तुम सच में इलीगल हीरो, तुम तो जंगल के शेर हो मेरे राजा। I love you too, राजा। I love you three also, राजा। ढोंगी कहीं का तू। टिकट कंफर्म। अब क्या करेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? जेल भेजने के बजाय उसे पार्टी का टिकट देकर असेंबली मत भेजिए सर। जैसे मेरी तो बहुत इच्छा है। अरे ऐसे लोग तो असेंबली के बरामदे में भी कदम रखने लायक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब पॉलिटिक्स है बेटा। उसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत लेकर आओ। उसके पॉलिटिकल करियर पर ही नहीं, उसकी रियल लाइफ पर भी फुल स्टॉप लगा दूंगा। देखो बड़े भैया ओवर रिएक्ट ज्यादा करते हैं, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। बड़े भैया, बड़े भैया, भाभी, टिंका चिका, टिंका चिका, क्यों नहीं गया? ए, आज संडे है, टिंका चिका। ये अपना छोटू है। हाय, हाय। भैया, सबसे पहले आपसे मिला रहा हूँ, आपकी बहू। तुम फंस गई हो क्या? हाँ। अरे ऐसे कैसे फंस सकती हो? हमेशा सब इससे ही फंसते हैं। फंसने से पहले देखा नहीं था, फिर मेरे पास ही चला आता है। बड़े भैया, इस कॉमेडी फेस को सीरियस मत कीजिए, अंदर जाके तो चाय ले आता हूँ ना। अरे लाइए ना, मुझे ऑर्डर देता रहता है। तुम, तुम्हारे दोस्त, फिर लवर, और उसके बाद तुम्हारे बच्चे, खा जाओ मुझे, सब खा जाओ। परेशान कर रखा है इसने। सत्यानाश हो तेरा। बहुत ओवर रिएक्ट। एमएलए गोवर्धन जी, देखिए इस वक्त पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 6 लाख लगेंगे। आप फौरन पैसों का इंतजाम कीजिए। 6 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं? भैया ट्रीटमेंट शुरू हो गई, आप फिक्र मत कीजिए। 6 लाख कह रहा है, छोटू नहीं बचेगा। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मैं हूं ना यहाँ पर, आप रुकिए। ए ऑटो। गहरी चोट लगे एक बच्चे को एमएलए साहब ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। वो बच्चा
अभी आईसीयू में है, ऐसे बताया। एमएलए साहब बाहर आ रहे हैं, कैमरा उन पर फोकस करो। एमएलए मतलब लोगों ने तो मजाक बना के रखा। अब ये कार कहाँ गई? एमएलए साहब की तरफ करो। कार भी मार के ले गया वो। डॉक्टर रुको। सर मेरी कार कहाँ गई? मुझे नहीं पता। जैसा कि आप देख रहे हैं वो डॉक्टर से बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं। अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे और काम से निकालने की वार्निंग दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा एमएलए साहब इस बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहे हैं। मेरे सबर का बांध टूटता जा रहा है। वो बच्चा इनका क्या लगता है, बेटा या फिर भांजा? आगे की जानकारी के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। ओवर टू स्टूडियो। हमें अभी आता हूँ। अरे इतने पैसे कहाँ से लाया तू? वीजा के लिए पापा ने दिए थे। डॉक्टर डरने की कोई बात नहीं, ही इज आउट ऑफ डेंजर। बड़े भैया छोटू ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। अरे भैया क्या हुआ? बेटा मुझे माफ कर दो। क्या ये क्या कह रहे? मुझे लगा था कि तुम हमारे साथ रहकर हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे, लेकिन सिर्फ बेटा कहने पर तुम हमारे परिवार को बचाओगे ये नहीं सोचा था। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अरे बड़े भैया, बड़े भैया कहाँ आप भी इमोशनल हो रहे हैं। ओ माय गॉड, बड़े भैया आप मेरे बड़े भैया, वो मेरे बेटे जैसे हैं, मेरे परिवार जैसे हैं भैया। अरे लकी बाहर जाके देख क्या ड्रामा चल रहा है। क्या हुआ? वो क्या लगता है, वो क्या लगता है, क्या पता मुझे? नहीं पता, कहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसे उठाया, कार में डाला और वहाँ से अस्पताल लेकर आया, बस इतना ही पता है मुझे। अब तक हम उस बच्चे को उनका बेटा समझ बैठे थे, लेकिन उससे कोई भी रिश्ता ना होते हुए भी हमारे एमएलए गोवर्धन जी उस बच्चे को अपने बेटे जैसे ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे दयावान नेता जी की एमएलए साहब ने बचाई एक नन्हे बच्चे की जान। तुम लोगों ने ये समझा? सर इस बात पर रोशनी डालेंगे सर, प्लीज सर। वो मैं एक सामाजिक फर्ज के मुताबिक अन्ना हजारे का शिष्य मानकर। छोटे भाई क्या कहा? मीडिया को मैंने नहीं बुलाया भाई, लेकिन मीडिया को तुम्हारी और मेरी कहानी को लेकर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चाहो तो मैं सच बोल सकता हूँ। तुम लोगों को मैं बताता हूँ, वो बच्चा जिंदा है एमएलए साहब की वजह से। अच्छा? अगर ये सही वक्त पर नहीं आते तो हमारा छोटू हमारे बीच ना होता। ऐसे एमएलए के राज्य में पैदा हुआ हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। इन्हें तो और भी बड़ी पोजीशन में होना चाहिए, ऐसे मंत्री हमें और चाहिए। जिंदाबाद। गोवर्धन जी ने उस बच्चे की जान बचाकर एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है। हमारे राज्य में ऐसे ही मंत्री चाहिए, ये सभी दिग्गज नेताओं का कहना है। राज्य के सभी नेतागणों को इन्हें देखकर खुद में सुधार लाना चाहिए, ऐसा जनता का कहना है। बाबा बाबा सब चैनल्स में आपके बारे में बता रहे हैं। सुनिए जी आप तो पॉपुलर हो गए हैं। अगर मैं इतना पॉपुलर लीडर हुआ हूँ तो ये सब क्रेडिट मेरे भाई को जाता है। आपकी मदद करना मेरा फर्ज। सर हाई कमांड से फोन है सर। कहाँ से? हाई कमांड से। हाई कमांड। जनता में काफी मशहूर हो चुके एमएलए साहब को पार्टी हाईकमान ने मंत्री पद सौंपने की घोषणा की है और पार्टी ने माधव शिवा रेड्डी को एमएलए टिकट देने का भी फैसला किया है। राजा, ओह माय गॉड, तुम्हारी वजह से मुझे मंत्री पद मिल गया है। उस दिन सारा क्रेडिट तुमने मुझे दे दिया था, जिसने पूरे राज्य में मुझे पॉपुलर कर दिया। आप मजे कीजिए सर। मेरे भाई तुम्हें कोई भी परेशानी आए तो पहला फोन मुझे ही करना। ऑफ कोर्स। और अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो आप मुझसे कनेक्ट हो गए सर। पापा मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। पापा पॉलिटिक्स में कदम रख रहे हो, संभल कर चलना शिवा। ओके पापा। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? तुम्हारे एसीबी का ना ये भाई सामने। ओह माय गॉड, हम तो उड़ा चू। आपका भाई है सर। छोड़ हमेशा क्या उलझना, जाने दे। उसके साथ में लड़की भी है सर। साथ में लड़की है? हाँ सर। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सर आपको बुला रहे हैं, चलिए। लकी नाम क्या है? हाँ? नाम बोल। लकी। लकी लड़की कौन है तुम्हारे साथ? मेरी गर्लफ्रेंड है, बड़ी मुश्किल से पटाई है। अच्छा गर्लफ्रेंड, तुम कहाँ से आ रहे हो? मंदिर जाकर भजन करके वापस आ रहा हूँ। साथ लाए हो क्या? तू खाएगा क्या? खुशबू आ रही है। तुम इसे कब से जानती हो? 2-3 महीने से जानती हूँ। वो तो लग ही रहा है, तभी तो इतनी रात को इसके साथ घूम रही हो। वैसे देखने में तो ये चोर लगता है। आपको गलतफहमी हुई है सर। ओहो, रेप करने वाले बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं, पता है?
कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो पुलिस क्या सो रही थी, कुछ कमी ने लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं। हेलो, हमें छोड़ने के लिए क्या लेंगे? रेस्पेक्ट, ड्रंक एंड ड्राइव केस, रेस्पेक्ट दूंगा ना सर, कभी अकेले में मिलिए ना, बहुत रिस्पेक्ट दूंगा। अच्छा बता, काम क्या करता है तू? मैं वो इंजीनियर। और रहता कहाँ पर है? मेरा एड्रेस वो मजबूरी है सर, इसका यूएस जाने का ड्रीम था, मेरे लिए आइडिया ड्रॉप कर दिया। बाप रे, वीजा नहीं मिला तो रुक गया तुम्हारे लिए है। लकी, बढ़िया मैनेज करता है। वैसे अभी काम क्या करता है तू? बेरोजगार हूँ सर, बेरोजगार। बेरोजगार है तो पैसा कहाँ से आता है? तेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं। रिटायर्ड ऑफिसर। इनकम? वो मेरे एक बड़े भैया भी हैं सर। ओह, तो भैया की मेहनत के पैसों से तू इसके साथ? एक्सक्यूज मी सर, हम किसी के भी पैसों से ऐश करें, आपको क्या, आप दे रहे क्या पैसे? ओह, आप इनके भैया के बारे में नहीं जानते, वो भी आपकी तरह पुलिस ऑफिसर है। रियली? हाँ, लेकिन थोड़े से मेंटल है। ओह माय गॉड, मेंटल? हाँ मेंटल, मेंटल। कितना बोलती हो तुम? अरे तुम चुप करो, अपने मेंटल भैया को फोन करो। हाँ? फोन करो अपने मेंटल भैया को। शट अप, शट अप। तुम्हारा नाम क्या है? अपनी फैमिली डिटेल्स बताओ। मेरी फैमिली के बारे में क्यों जी, लकी के बारे में पूछे ना, मेरे घर पे अभी हमारे बारे में पता नहीं है ना। हेलो, परेशान क्यों कर रहा है तू? ए, लॉकअप में डाल लेना। सर कितना फाइन चाहिए बता दीजिए ना, हम देकर चले जाएंगे, हम स्टूडेंट्स हैं सर। स्टूडेंट? वर्मा सर, मुझे कंप्लीट डिटेल्स चाहिए इस लड़की की। ओ हेलो, क्या है, केस क्या है? हम दोनों ओवर 21 है, लाइसेंस है, ऊपर से मैंने लिमिट में पी रखी है, अगर चाहते हो तो चेक कर सकते हो। पता चला लड़की साथ में तेरे, इसलिए छोड़ा। अच्छा, क्रिमिनल्स को पकड़ो। सर जाने दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर। ये क्या? अब मैं क्या? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अबे, आजकल तुम्हारे बिहेवियर में बहुत चेंजेस नजर आ रहे हैं, मतलब टाइम पर ठीक तरह से खाती नहीं हो, घर नहीं आती हो। मुझे एक छोटा सा डाउट है, कोई तो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन है वो? लकी है डैडी। मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, उसके अलावा मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी। आपके मन में और कोई सवाल है डैडी? पूछने के लिए बचा ही क्या है, कुछ नहीं। वो दिखता कैसा है? दिखने में मेरी तरह डिग्निफाइड तो है ना। बकवास है। भाषा, भाषा कैसी है उसकी, डिसेंट तो लगती है ना। ए, कुत्ते के बच्चे, चल फुट यहाँ से। डैडी, मैं अपने दिल की बात कह चुकी हूँ, उसके बारे में आपको और कुछ भी जानना हो तो उसी से जान लीजिए। ठीक है, उसकी मेरी मीटिंग फिक्स करो। हेलो लकी, क्या कर रहे हो? मेरे डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके, तुम जो भी कहते हो सही है लकी। एक घंटे बाद आपको ओल्ड सिटी के गोल्डन कैफे में मिलने को बुलाया है। ये क्या, अपॉइंटमेंट तो वो मुझसे लेगा? आप ही तो कहते हो ना, जिसका काम होता है उसे ही जाना चाहिए, वही तो फॉलो कर रही हूँ मैं। उसने तो आपको अपना ससुर जी मान लिया है, कंप्लेंट आपको है, इसलिए आपको मिलने जाना चाहिए। हो गई लव स्टोरी शुरू। ससुर जी, कौन हो तुम? मेरी बेटी के पास 500 करोड़ की दौलत है, 10 बंगले हैं, 10 फैक्ट्री भी है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास आपकी बेटी है। ससुर जी, कल यहाँ मर्डर हुआ था, लगता है वही लोग आ गए। भागो भागो भागो। यहाँ पर ठीक है, हम सेफ हैं। बोलो। अरे मर्डर वाली जगह पे मीटिंग फिक्स की। टाइम ही खराब है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ससुर जी यहाँ आइए,
जल्दी बात खत्म कर लेते हैं। देखिए आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और आपका ससुर जी बनाने। छोड़ना मत उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो, वो देखो वहाँ है। ओह माय गॉड, ये यहाँ, तुम जानते हो इसे? ससुर जी ये सारे अटैक मुझ पर हो रहे हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। आज तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा लकी। मेरे साथ बताइए वरना ये आपको मार देंगे। अरे रुको, यहाँ से। हेलो एक्सक्यूज मी, उससे पहले इसे मारो। अरे बाप रे, ये कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़े? वो ना, आपकी बेटी से पहले उसकी बेटी के साथ मेरा अफेयर था, उसका और मेरा वर्कआउट नहीं हुआ तो हमारा ब्रेक ऑफ, लेकिन बाप पीछे पड़ गया। अगर पहले से ये अफेयर था तो मेरी बेटी को क्यों फंसा? ससुर जी आपको जवाब चाहिए, जान चाहिए। अभी झुकिए, झुकिए। ससुर जी आ जाइए, आ रहे, जल्दी कीजिए। वो कहाँ गया? वो कौन है मैं जानता ही नहीं। उसके बारे में जाने बिना उसके साथ भाग रहा था तू? मुझे लगा कि वो चोर है इसलिए मैं भी उसका पीछा कर रहा था। बात मत करो बका, काट डालो। ए, मटन चिकन समझा जो काट डालेगा मुझे? मेरी बेटी उससे प्यार करने लगी है, उससे शादी करने की जिद कर रही है इसलिए मिल लिया। ये तुम क्या कह रहे हो, सच में तुम्हारी बेटी उससे प्यार करती है? करती है ना। अरे चलो चलो हथियार वापस ले लो। तुम्हारे जैसा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। इसे ढूंढने के लिए एक महीने से मैं पागल की तरह घूम रहा हूँ। किस लिए? मेरी बेटी से पहले ये प्यार करता था लेकिन अब वो प्यार तुम्हारी बेटी पर शिफ्ट कर दिया, इसीलिए मैं अपनी दुश्मनी तुम पर शिफ्ट करता हूँ। अब समझो मेरा बदला पूरा हुआ। ए, सारे हथियार अब इसको दे दो। ये लो रखो, ये हथियार तुम्हें दो तरह से काम में आएंगे, या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। इसलिए कि तुम उसकी हरकतों को अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। ए, चलो रे, काम हो गया। डैडी, ये क्या भेस बनाया है और चिल्ला क्यों रहे हैं? लकी ने आपको भी बदल दिया है ना, मजा आया ना? मुझे इस तरह देखकर तुम चिढ़ा रही हो ना मुझे? उसका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही भयंकर था। मैं तुम्हारी शादी उसके साथ जीते जी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। ये क्या चल रहा है? फैशन शो जा करा रहा हूं। सुन बेटी, लकी को मारने के लिए एक बंदा अपना घर बार छोड़कर उसे ढूंढ रहा है और मैं उससे मिलने आया हूँ ये जानकर वो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया था। अरे बाप रे, मौत से नाता खतरा है पर इससे नाता तो मौत से भी ज्यादा खतरा है। नहीं चाहिए हमें ये। शेर को सवा शेर मिल गया। ससुर जी, ये हमारे घर में कैसे आया है? कौन है तुम्हारा ससुर जी? आप हो ना? चल बाहर निकलो। मैं लकी से प्यार करती हूँ डैडी। ए, तुम पार्ट टू हो, तुमसे पहले भी पार्ट वन है। एक लड़की से प्यार करके उसे धोखा देने के बाद तुम्हें फंसाया। मैं ऑलरेडी जानती हूँ, लकी ने बताया है। ऑलरेडी बताया है? क्या बताया? अरे ससुर जी, हमारे बीच धूम वन धूम टू ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की सेटिंग नहीं हुई, खेल खत्म, दुकान बंद, चैप्टर क्लोज। अगर मैं उससे प्यार करते करते आपकी बेटी से प्यार करता तो गलत। क्या कहती हो उस बेटी? तुम जो कहते हो वही सही है लकी। फंसा रहा है तुम्हें ये? इसमें फंसाना क्या है डैडी? आप ही तो कहते हैं ना, हमारे घर का नौकर अगर हमारे घर पर काम करे और किसी और के घर में भी काम करे तो गलत है, लेकिन अगर किसी और के घर का काम छोड़कर हमारे घर में नौकरी करता है तो गलत नहीं। ऊपर से आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस भी होता है, तो वही एक्सपीरियंस मेरे भी तो काम आएगा ना। तुम तो छा गए स्वीटी। क्या तुम भी, तुम्हारी ही तो ट्रेनिंग है ना। सुभाषित बाजी मार गया। ससुर जी, अगर आपका ईगो नहीं मान रहा है तो इनकार के लिए ओनली वन वन रीजन बता दीजिए। ए, रीजन चाहिए ना तुम्हें? बताता हूँ, परफेक्ट रीजन बताता हूँ। क्यों रे, तुम दोनों प्यार करते हो ये बात मुझे कैसे पता चली? सोचा तुमने है? ये बताओ, एक लड़की अगर एक लड़के से प्यार करे तो उसके पेरेंट्स को कौन बताता है? दुश्मन लोग, एनिमीज। लेकिन इसके घर में इसके भैया ने मुझे फोन किया। यस, उसने खुद फोन करके कहा, सुनिए जी, आपकी बेटी एक लोफर के साथ घूम रही है, उसे बचा कर रखो, और जानती हो इसकी ये वैल्यू है अपने घर में। भैया ने ये सब कहा? क्यों, डाउट है तो जाकर पूछो, पूछो ना। वो तो बहुत जरूर से तुम्हें एक चांस देता हूँ, अपने घर जाकर
अपने भैया से कहो कि मुझे फोन करे और कहे कि आपकी बेटी के लिए मेरा भाई नंबर वन चॉइस है, उसके बाद बात करें। परफेक्ट रीजन था ससुर जी। हे भावना के पापा को तूने फोन किया था? क्यों, तुझे घर से बाहर निकाल दिया गया? कोई कुछ कहे और प्यार टूट जाए तो उस प्यार का फायदा क्या है? हे, मेरे प्यार के बारे में बोलने वाला तू कौन होता है? कह रहे तूने मेरे आईजी को फोन करके मेरा कैरेक्टर छोटा किया था। मैंने तो तेरा कैरेक्टर मशहूर कर दिया। ए, मैंने तुझसे कहा था ना कि पुलिस के हाथे मत चढ़ना। कैसी बजाई तेरी? ओह, अब सारा कनेक्शन समझ में आ गया। बेसिकली तेरे प्यार का ब्रेक ऑफ हो गया ना, इसीलिए मेरा प्यार देखकर जलन होती है तुझे। ए, ये क्या बकवास कर रहा है? Mind your language. तेरी पर्सनल बातों के बारे में बात करूं तो तुझे गुस्सा आता है ना, उतना ही गुस्सा मुझे भी आता है। मैंने उन्हें बताया मेरी इज्जत खराब ना हो इसलिए बताया। तू मेरे पास रहता है, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हुई तो वो मेरे पास आएंगे और कहेंगे एक पुलिस वाला होकर मैं अपने भाई को कंट्रोल नहीं कर पाया तो पूरे शहर को क्या कंट्रोल करूंगा मैं? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, इसीलिए मैंने खुद फोन करके बताया मेरा भाई गैर जिम्मेदार है, रास्ते का लोफर है। अचानक मेरे बारे में इतना रिस्पॉन्सिबल कब से हो गया तू? सब भूल गया? याद दिलाओ तुझे वीजा के लिए तुझे 10 लाख रुपए दिए थे ना, क्या किया उनका? जवाब है कोई तेरे पास? अपने दोस्तों के साथ अय्याशी में उड़ा दिए। पता है कितनी मेहनत लगती कमाने में? ए, कमाने की बात मत कर, पुलिस का काम करके कमाए थे क्या? गलत तरीके से नहीं कमाए, इसकी गारंटी दे सकता है? जो कहना तू मेरे बारे में कह, लेकिन मेरी ईमानदारी पर उंगली मत उठा। 1000 बार उठाऊंगा। तूने वो पैसे रिश्वत लेकर नहीं कमाए हैं, इसकी क्या गारंटी है? तूने मेरी गर्लफ्रेंड को फोन किया? मैं नहीं कहूंगा कि तूने पैसे गलत तरीके से खर्च किए। अरे क्या हो रहा है इसे? अरे छोड़ो, कुछ पछोड़ छोड़ उछालेगा तू? छोड़ो, तुम लोग लड़ाई मत करो। बस बहुत हो गया, क्या कर रहे हो? एक शब्द नहीं बोलना, खामोश हो जाओ। शांत हो जाए। कैसे शांत हो जाऊं बोलना? जिंदगी में कभी मेरी मां ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और आज उसकी वजह से मारा है मुझे। छोड़ूंगा नहीं, जब तक उसे सबक ना सिखाऊं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। वक्त का खेल भी क्या खेल है, एक मौके के लिए तीनों इंतजार कर रहे थे। भैया से बदला लेने के लिए लकी, शिवा रेड्डी को अरेस्ट करने के लिए राम, और नॉमिनेशन भरने के लिए शिवा रेड्डी। इनका क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसमें शिवा रेड्डी की पूरी कुंडली है सबूत के साथ, उसे अरेस्ट कर सकते हो। इसी फाइल की वजह से मेरा बेटा मारा गया, मेरी नजर में कोई भरोसेमंद नहीं था, लेकिन मैं आज तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। शिवा रेड्डी को अरेस्ट करोगे तो मुझे लगेगा मेरा बेटा जीत गया। तुम में बहुत घट से बेटा, शिवा रेड्डी पर इतने केस और सबके सबूत भी हैं, वो नॉमिनेशन भी नहीं भर सकता, उसे भरने भी मत दो। उसकी आंखों के सामने ही ये सब ले जाकर कलेक्टर की टेबल पर रख दो। हेलो शिवा रेड्डी, अब तुम्हारा राहु काल शुरू हो चुका है। तुम कभी मेरे चेले रहे हो इसलिए ये बता रहा हूँ, वो एसीपी सबूतों के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंच रहा है। नमस्ते शिवा रेड्डी भाई। वो एसीपी राम है ना, उसके कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचने से पहले उसको पर उसको खलास कर देंगे। ये चला क्या पड़ा? ओए पंडर ने फोन किया क्या? नहीं क्या भाई?
लो। ओ, ओ। आ, तुम लोगों को वेट वेट। इस चोट से उसकी नौकरी फिनिश। यस, ब्रेकिंग न्यूज, जीप को खोकर हेलो हेलो कहकर भागता हुआ एसीपी अपनी गाड़ी को बचा नहीं पाया। एसीपी स्टॉप ऐसे। लगता है आप लोगों को छोड़ेगा नहीं। उसके तो लगे। You're very lucky. भाई आपन के ट्रक के एक ही टक्कर में एसी भी राम और फाइल दोनों चल के राख हो गए ले। तू इधर क्या कर रहा है? इधर मर्डर हो गए ले, चल निकल। देखा अपन ने कैसा उड़ाया गाड़ी को, बेकार में परेशान मत हो, चल जा बेटा, जल्दी गाड़ी निकालो बे, भाई का जुलूस निकल रहा है। मुझे मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? अबे यार मैं तुझे बोल। अरे अरे मैं बोल सुन। अरे काय को मारूंगा मैं? अरे मुझे मारने की कोशिश करोगे तुम्हारी तुम्हें। अरे तेरे को कौन मार रहा चाहते? ऐसी भी राम को मार रहा था। अरे यार ऐसी भी राम की गाड़ी में तेरे को कौन बैठने बोला? जिसे अपन मारना चाहता है वो तू नहीं है, समझा? वाह, लगता है अपन की बात ये समझ गया पापा। मारना चाहिए।
मेरे भैया को मारना चाहता है ना तू? तू तो गया। मैं तो नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहा था। मेरा नॉमिनेशन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। You are finished। मेरे भैया को मारने की सोच से ही तेरी जिंदगी उल्टी लटक गई है और तू मुझे धमकी दे रहा है। इस बार पैरों से लटका है तू, अगली बार गले से। तो जितना आसान समझ रहा उतना आसान नहीं है। तूने गलती कर दी है साले। मेरे बारे में तू पूरी तरह नहीं जानता, ये मानो। अब कुछ मत बोल। अपने बारे में मुझे बताकर और मेरे बारे में जानकर कोई रेस शुरू मत कर, क्योंकि रेस के घोड़ों पर लगाम लगी होती है, लेकिन मैं बेलगाम। मैं हूँ माधव शिवा रेड्डी। क्या यार, माधव शिवा रेड्डी, नाइस नेम, माधव शिवा रेड्डी। नाइस मीटिंग यू मिस्टर माधव शिवा रेड्डी। आई एम लक्ष्मण प्रसाद, मगर ये नाम सुनते ही मेरा दिमाग घूम जाता है। कॉल मी लक्के, जस्ट लक्के। शिवा रेड्डी का नॉमिनेशन मिस। शिवा रेड्डी पर किसी गुमनाम व्यक्ति ने अटैक किया और शहर के बाहर पीट कर फेंक। शिवा रेड्डी को मारने वाला कौन है? वो सभी जानकारी अभी मिलना बाकी। शिवा रेड्डी के चाहने वाले सड़क पर उतर कर उनके लिए बहुत हंगामा कर रहे हैं। चुप हो जाओ। गुंडागर्दी करता था तो शेर की तरह जीता था, राजनीति में आया है तब। राजनीति तेरे बाप की जायदाद है क्या? मंत्री बनना मेरे बेटे का सपना है और वो पूरा होगा। अगर इस शहर से तुम्हें प्यार है तो मुझे यहाँ से वापस भेज दो, नहीं तो यहाँ भूचाल आ जाएगा। आज ही एक की बलि चढ़ा कर आया हूँ और दूसरी बलि यहाँ चढ़ेगी। मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाले को ढूंढो। कौन था वो ससुर का नाती? छिछी, तुम्हारी नजरों के सामने वो पुलिस की जीप लेकर चला गया और तुम खड़े खड़े देखते रह गए। तुम तो शिवा रेड्डी की खटिया खड़ी करने वाले थे ना, अब क्या हो गया? जीप भी गई और फाइल भी गई। शिवा रेड्डी को उसके किए की सजा मिल जाएगी जब उसके पापों का घड़ा भर जाएगा। उसके पापों का घड़ा खुद ही भरना था, इतनी पुलिस की क्या जरूरत थी सर? आप, मैं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर मंदिर में भजन करते हैं, चलिए। बेवकूफों जैसी बात करते हैं, नहीं छोड़ूंगा सर।
जीप और फाइल की वजह से शिवा रेड्डी सलाखों के पीछे नहीं जा पाया और जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई, मैं कसम खाता हूं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे वर्दी की कसम सर। वर्मा सिटी के सभी सीसी कैमरास के फुटेज निकालो, जीप ले जाने वाले का एक क्लू मिल जाए काफी। सर सर सर, जीप शिवा रेड्डी के आदमी ही ले जा सकते हैं। ये उन लोगों का काम नहीं होगा। शिवा रेड्डी अरेस्ट होने वाला ये बात किसी को नहीं पता थी। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो डिपार्टमेंट को बदनाम करना चाहता है। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिर्फ हमारी जीप ही नहीं गई वर्मा, एक सिंसियर ऑफिसर की उम्मीद, एक बाप का बेटे पर भरोसा सब गया। ये जीप तो हमारी जान ले लेगी यार। तेरा भाई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर रहा है, पकड़े गए तो क्या होगा? लेकिन तुझे क्या हुआ? शिवा रेड्डी का बाप शहर में आ गया, वो उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है जिसने उसके बेटे को बुरी तरह से पीटा। उसे हमें ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं तो खुद उससे मिलने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो मिलेगा, उसकी बलि का समय आ गया है। जाओ ढूंढो, ढूंढो उसे। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे को मैंने ही मारा है। सोचा आपसे आकर बात करूं। आपको मैं अपनी कहानी बताता हूं सर। मेरे मां बाप के हम दो बेटे हैं, मैं और मेरे भैया। हम दोनों के बीच बचपन से एक पल भी नहीं जमती थी। हर वक्त एक दूसरे से झगड़ा करते थे, जैसे एक ही घर में एक दूसरे के दुश्मन जन्मे हो। एक रोज झगड़ा थोड़ा सा पर्सनल, उसने मेरे प्यार को तोड़ने की कोशिश की, बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेंटल हो गया सर। प्यार से बात ईगो पर आ गई। मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो उसे उसकी नौकरी से अलग करना है, और इसीलिए उसकी जीप लेकर मैं भाग गया। और तब मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी जीप पर कोई हमला करेगा। किसने किया, क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। लेकिन बचने के बाद पता चला कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे भैया को मारने के लिए आए। मेरे भैया को मारने के लिए आए थे। फिर क्या सर, मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मेरा ब्लड कितने हजार किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा था मुझे खुद नहीं पता। उस वक्त भैया पर जो गुस्सा था, उनसे बदला लेना था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक चीज दिमाग में बैठ गई कि जिसने भैया को मारने की कोशिश की उसे खत्म कर। जीप पर जिन्होंने हमला किया उन्हें मैंने बेरहमी से पीटा, लेकिन उन्हें मैंने मौत नहीं दी। और इतना सब हो जाने के बाद मुझे एक छोटा सा डाउट आया। मेरी तो भैया से बनती नहीं थी, तो मैंने ऐसा रिएक्ट किया क्यों? मैं आपके बेटे को मारने वाला था। अजीब बात है, पता है क्यों? हमारे खून के अंदर मैजिक ही कुछ और है। इतने दिनों से मेरी और भैया की बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, यही सोचता था मैं। हम दोनों की कब की बन गई थी सर। हमारे बीच जो झगड़े हुए वही हमारा प्यार है। आपको मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह जान सके। इन सारे झगड़ों को यही रोक दीजिए। आप मुझे, मेरे भैया को या मेरी फैमिली को तंग मत कीजिए। नो सर, मैं कोई वार्निंग देने नहीं आया हूँ, बस इतना कहने आया हूँ कि हम सब खुश रहें। ओके, अब यही बात अगर मैं आपके बेटे से कहूँ तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी गुस्से में होगा ना, पर आपको बेटे के पिटने का दुख है ना, आप समझ जाएंगे। अक्सर जो इंसान गुस्से के बजाय दुख में होता है ना, वो बातों को बेटर समझ पाता है। रोक दीजिए अब ये सब, अपने बेटे को समझाइए। चलता हूं। मेरे मां बाप के हम दो बेटे हैं, एक मर भी गया तो कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ एक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। शिवा रेड्डी और उसका बाप उससे बड़ा विलन। देखा ना, नाम सुनते ही इसके बैंड गिली हो गई, और ऐसे में तू घर जाकर उसकी क्लास ले रहा था। तेरे में कहां से आ गई रही थी हिम्मत? तुम जैसे दोस्त हो तो हिम्मत आ जाती है। और ऊपर से जीप किसने चुराई, उसकी तलाश में लगा हुआ है वो राम। बोल राम भैया, भैया कब बना? जरा सोच के देख, शिवा रेड्डी मेरे भैया को मारना चाहता है तो कितने सिंसियर ऑफिसर होंगे। रिस्पेक्ट दे उन्हें। कल तक तो वो साला खाली राम था। अब ये साला क्या है? वो जेठ है मेरे, उनको रिस्पेक्ट दे के बुलावे। अच्छा,
परिवार एक हो गया, तू डिस्टेंस मेंटेन रख। अबे हटना। तो फिर हम राम भैया के पास जाकर हमने ही जीप चोरी की थी ये बता दें क्या? अगर ऐसा बोलेंगे तो वो हमें जेल में डाल देगा। इस वक्त वो किसी की बात नहीं मानेगा और घर में पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शिवा रेड्डी की तरह डील करने के लिए बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, घरेलू प्रॉब्लम है, बहुत सेंसिटिव है। हम तो उसके हाथ नहीं लगने वाले। अगर उसकी लाइफ सेट कर दी ना तो ऑटोमेटिकली हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। पहले तो उसने पढ़ाई पढ़ाई करके अपना बचपन बर्बाद कर दिया, अब ड्यूटी ड्यूटी करके अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। उसकी लाइफ तो पूरी डेड है यार। वैसे भी गलती सारी मेरी है, कभी उसकी भी एक लव स्टोरी थी। लव? उसकी लव स्टोरी को मैंने बिगाड़ा, इसीलिए उसने मेरी लव स्टोरी बिगाड़ने की कोशिश की। तुम्हारे भैया भी एक टाइम के रोमियो थे, जूलियट भी थी। स्टोरी में विलन कौन था? अकबर था क्या? कॉलेज के जमाने में भैया श्वेता नाम की लड़की से प्यार करते थे, कोई गाइडेंस नहीं मिला तो कई साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। फाइनली वैलेंटाइंस डे पर उसे प्रपोज करने गए थे, लेकिन उनकी किस्मत फूटी थी, वहां पर भी मैं ही टकरा गया। ओह माय गॉड, क्या बात है? स्टॉप साइन की ऐसी की तैसा। ये रखो। आई लव यू। जी, स्टूपिड इडियट। पसंद नहीं आया? तो फूल वापस दे दो ना। ये क्या? इधर दे। नो टू माय लव बट यस टू माय फ्लावर। एक काला। श्वेता, क्या कहा मेरे भाई ने? वो तुम्हारा भाई था? या? छी, हीरो बनती कर रहा था। कुछ गलत कहा तुम्हें? आई लव यू बोल रहा था। व्हाट? तुमने क्या कहा? नो। गुड, आई लव यू। कितने सालों से ये बात दिल में थी? अगर तुमने एक मिनट पहले कहा होता तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेती। तो अब? अभी अभी तुम्हारा भाई आई लव यू कह के गया है। अगर तुमसे शादी करके तुम्हारे घर जाऊंगी तो वो लफंगा रोज मिलेगा, मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी, भूल जाओ मुझे। नो श्वेता। उस जगह तेरा भैया क्या, कोई भी होता तो बदला लेता। मुझे क्या पता वो उससे प्यार करता था, मुझे लगता है आज तक उसके दिल में वही लड़की है, इसीलिए तो सारे रिश्ते मना कर देता है। तो अब हम क्या करें? श्वेता अभी जहाँ भी है उसे वहाँ से लाकर जो लव स्टोरी रुक गई है उसे कंटिन्यू करेंगे। और अगर श्वेता की शनाई पहले बच चुकी होगी तो क्या करें? ये बच गई। बी पॉजिटिव, नेगेटिव बातें मुझे और लकी को पसंद नहीं है। पहले जाकर श्वेता को ढूंढो। स्वीटी, लकी। वो लोग श्वेता को ढूंढने में लगे हैं, तब तक थोड़ा रोमांस हो जाए। वही सही है। आप बोले तो हम उसे मौत के घाट उतारे भाई। ये खुद अपना बदला लेगा। सर, शहर के चारों तरफ कैमरा चेक कर लिया है सर। सिद्धार्थ नगर की तरफ तो कोई जीप नहीं दिख रही। सर, सर, आपने जैसा कहा था शहर के सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज चेक किए सर। हमारी गाड़ी जुहू से सांता क्रूज तक गई, उसके बाद बांद्रा में जाकर रुकी सर। वहाँ पर तीन लोगों को उतार कर गाड़ी आगे चली गई सर। फिर वो तीनों चाय की टपरी पर गए सर। जी सर, दो दिन पहले 14 तारीख को 2548 नंबर की गाड़ी से तीन लोग तुम्हारी टपरी पर आए थे, उनके बारे में जानते हो? उस दिन तो बहुत लोग आए थे सर। उन्हें पहचान सकते हो क्या? हाँ शायद। मैं पहचानता हूँ। कौन बोला? ए, कौन थे? ए, कौन थे बोलो? साहब, ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, धमकाओ मत। ए, तूने उन्हें देखा है क्या? गाड़ी नंबर 2548 पुलिस की जीप थी। 2548 पुलिस की जीप थी। मंगलवार के दिन 12 बजे तीन लोग तुम्हारी टपरी पर आए थे। तीन लोग थे? हाँ। वो लोग वहाँ बैठे थे, मैं यहाँ बैठा था। उसमें से एक ने चाय मंगाई और दूसरे ने कॉफी मंगाई। उन दोनों में बिस्किट को लेकर झगड़ा हुआ, इसलिए दोनों पर मैंने गौर किया था, समझे? कहाँ रहते? चल दिखा। क्यों दिखाऊँ? चाय पानी चाहिए। क्या कहा? पुलिस वालों से रिश्वत मांग रहे थे? जैसे तुम लोग तो हमसे लेते नहीं हो। अरे मेरे बाल लो, मुझे और मार तभी तो पुलिस वाला लगेगा। ए, कितना चाहिए? तुम मुझे 1,00,000 दोगे तो वो लोग कहाँ मैं बताऊंगा, 2,00,000 दोगे तो उनके अड्डे पे मैं खुद लेकर जाऊंगा तुम्हें, तीसरा बम्पर ऑफर, 3,00,000 दोगे ना तो वो जीप पे यही लेकर आऊंगा। अब मुझसे पैसे लेगा? पैसे लेगा मुझसे? पुलिस से पैसे लेगा? बच नहीं पाएगा वो। तुम्हारे भैया की लवर का एड्रेस मिल गया, वो शास्त्री नगर में रहती है, जाओ उसे किडनैप कर लो लकी। या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। ये क्या चल रहा है जी? भावना के प्यार की वजह से तुम भावनाओं में क्यों बह रहे हो? अरे वाह भावना की, वाह आ गई तुम भी। प्लीज सिट डाउन, एक पैग लगाओ, बताता हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं आप? अब कोई पीना नहीं, छोड़िए इसे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। लकी! ये क्या किया बेटी, उसे कुछ हो गया तो? वो लकी है मामा, माइंड ब्लो कर देता है। तो ए, वो दुल्हन को भगा कर ले जा रहा है, पकड़ो उसे।
डर लग रहा है लकी। भाभी डरो मत, मैं हूँ ना। भाभी सुनने में तो अच्छा लग रहा है लकी, सच में तुम्हारे भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं? अगर नहीं करते तो इतने सारे रिश्तों को ठुकराते क्यों? मुझे वो रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे। मुझे तो वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हारे दिल में मेरे भैया है ना भाभी, इसलिए कोई पसंद नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। पता नहीं क्या क्या कह के मुझे ले जा रहे हो। तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। तुम्हारे भैया सच में मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ, तुम्हारे कहने पर ही तो पुलिस ऑफिसर बन गए हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा था। क्या तुम्हें पुलिस ऑफिसर पसंद नहीं है? पसंद तो है। हाँ तो तुम्हारे मन की बात पढ़ ली। हाँ तो फिर चलो। हाँ लेकिन चलूँ तो चलूँ कहाँ से, इस तरफ। ओ माय गॉड, करेक्ट टाइम पे एंट्री मारी ससुर जी। फायरिंग क्यों रोक दी? बुलेट्स खत्म हो गए। ओह माय गॉड, तो भागो। लेकिन क्यों? ए, ये भी उस बदमाश की हेल्प कर रहा है। पकड़ो इसे, मारो इसे, इसे छोड़ने मत। इस लड़की के घर वाले हैं। अब ये लड़की कौन है? अरे आप देख नहीं सकते, दुल्हन है। इसे भगा कर ले जा रहा हूँ, आप भी भागो। एक और लड़की, अरे और कितनी लड़की है? अरे ससुर जी, अब आपको जवाब चाहिए, जान चाहिए। जान चाहिए तो फिर भागिए ना। भागो ससुर जी, जल्दी आइए। ससुर जी आप दीजिए। अब आप ये पकड़िए। जीप से गिरा, गड्ढे में अटका। तुम्हारे घर के बाहर इतनी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं? हेलो भैया, एसीपी हैं, पापड़ बेचने वाले थोड़ी हैं। रोज इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अरे रुक रुक रुक, कहाँ गया था तू? तेरा फोन भी ऑफ है। वो छोड़ो, मुझे बताओ यहाँ इतनी गाड़ियाँ क्यों हैं? लड़की वाले आए हैं। मेरी परमिशन के बिना लड़की वाले क्यों बुलाए तुमने? तेरे लिए नहीं, भैया के लिए आए हैं। भैया वो लड़की को रिजेक्ट कर देंगे। दोनों ने पसंद कर लिया है। ओह माय गॉड, ये क्या कह रही हो तुम? अरे और कितने दिन नाना करता रहेगा? आईजी की बेटी का रिश्ता है। आईजी की बेटी का रिश्ता? अब सिर्फ एक शुभ मुहूर्त का इंतजार है। हाँ तो पंडित जी बताइए। देखिए अगले महीने की 20 तारीख को बहुत ही दिव्य मुहूर्त है। मेरे लिए ये ओके है? मेरे लिए ओके नहीं है। मैं इस घर का मेंबर हूँ या नहीं, मुझे बताए बिना रिश्ता कैसे तय किया? अब मेरा क्या होगा? ये मेरा छोटा बेटा है। ओह अच्छा, तो वो होनार छोटे तुम ही हो। तुम्हारे बारे में सबने बताया कि खोटे सिक्के तुम ही हो। तुम्हारे बारे में भी सबने बताया है, जिसकी घर में अच्छी मालिश होती है वो तुम ही हो। अरे क्या कर रही हो, इसकी बात का बुरा मत मानो, तुम अपनी लाठी की मालिश जारी रखो। चल शुरू हो जा बेटा लकी, अब मैं क्या मुंह लेकर बाहर जाऊंगा? ओए सुन, एक्स्ट्रा मुंह मत चला, मुझे पता था तू काम बिगाड़ेगा, इसलिए तेरे बिना सब सेट किया। ओह माय गॉड, वो तो मेरी जान ले ली। ओए ये कार किसकी है पता है? एसीपी साहब की, और मैं उनकी होने वाली बीवी हूं। चल भाग, भाग, भाग। अरे मैं इसको सच कैसे बताऊंगा? ओए ओए ओए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं एसीपी की बीवी बन के ही रहूंगी। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, जैसे मेरी शादी छुड़वाई वैसे अपने भैया की शादी छुड़वाओगे और मेरी शादी उनसे करवाओगे। बोलो बोलो बोलो, सब ठीक कर दोगे? बोलो। ओह माय गॉड, हां कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा। वादा करते हो? हां वादा है श्वेता। ओए श्वेता, नहीं भाभी बोलो, भाभी बोलो मुझे, श्वेता के बाहर भाभी बोलो, बोलो। छोड़ोगी? छोड़ोगी तो बोलूंगा। ये बाहर रही तो दो चार को मार देगी, तुम इसे शांत करके अपने घर लेकर जाओ। ओके इसे बे श्वेता को बे। एए, दिखाई नहीं देता। इतने दिन कहाँ थी तू? तुम्हारे होश उड़ाने के इंतजार में थी। वो क्यों? जैसे तुम मेरे हाथों में हो, क्या वैसे ही मैं तुम्हारे दिल में हूँ? मेरे वॉलेट में भी तुम्हें हो। कितने
एक तरफ ये लड़की है जो मेरे लिए भाग आई शादी के मंडप से, दूसरी तरफ आईजी की बेटी जो मेरे लिए बैठी है मंडप में। वर्मा मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं बताता हूं, ये प्यार बहुत पुराना है, इसे कट नहीं कर सकते। आईजी की बेटी को कल्टी दीजिए। ओए, तुझे क्या इतना आसान लगता है? आसान है सर, हर घर में काम बिगाड़ने वाला एक इंसान जरूर होता है, वही इंसान आपका भी रिश्ता तुड़वाएगा। वो कौन? मेरा भाई। हाँ सर, वही ये काम कर सकता है। सर जल्दी से जाकर उसके पैर पकड़ लीजिए। अरे बाप रे, इडियट, अब तक उसने मुझसे मदद मांगी है और तू चाहता अब मैं जाऊं उसके पास? मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है सर। हा? मतलब मेरा भाई गधा है? हाँ। पहली बार अकल की बात की है? आपने मुझे पहली बार समझा सर। मेरा भाई गधा है। छोटा भाई गधा है तो बड़ा भाई क्या हुआ? हाँ अब सब ठीक है सर। सर मैंने सारी बातें क्लियर कर ली है, आप कंफर्म कर लीजिए। क्या फूटी किस्मत मेरी जो इसके पास आना पड़ा। तुझे जो समझाया गया ना बस वही कर। मतलब क्या करूं? तुझे अपना फर्ज निभाने का मौका मिला है, उसका फायदा। वो तेरी, साफ साफ कह दे तुझे मेरी हेल्प चाहिए। नहीं, तूने जो कपड़े पहने हैं, जूते पहने, वो सब मैंने दिए। जरूरत भी तेरी, इसलिए तो कह रहा हूँ अपना फर्ज निभा। वार्निंग नहीं चलेगी भैया, रिक्वेस्ट चाहिए। मेरा प्यार वापस आ गया इसलिए तुझे मेरी शादी तोड़वानी है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भैया, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट? एक्चुअली बेगिंग। तो उससे और रिक्वेस्ट करूं? सर वो गधा है गधा, आप जाइए। हाँ गधा तो है। छोटी सी रिक्वेस्ट। अच्छा सुन, मेरी और आईजी की बेटी का रिश्ता तोड़वाना है। लेवल ठीक नहीं है। क्या कहा? अच्छा सुन मेरे भाई, कैसे भी हो मेरा और आईजी की बेटी का रिश्ता तोड़वा दे। ओह माय गॉड, मुझे क्या तू रुलाएगा? बस कर पगले, बस कर। ए मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा रिश्ता तोड़वा दे, कैसे भी हो इस मुसीबत से निकाल मुझे। काम होगा। अरे क्या हुआ, मैं अस्पताल कैसे पहुंच? लेट जाओ, लेटोगे तो ही काम होगा। हेलो, आई एम ली, डॉक्टर बली, मलेशिया रिटर्न। क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम की लकी, मैं जो कहूंगा वही कहना। मैटर क्या है बताओगे? मैटर तो बताने आया हूँ मैं। ओह यू मीन काम तमाम? करेक्ट। ओके ओके। Not again. Doctor, राम को क्या हुआ? हेलो, आई एम ली, डॉक्टर बली, मलेशिया रिटर्न। क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम पी, जे पी, पी कह कहीं भी मार देता हूँ मैं। आई सी। रूम नंबर 16, यू नीड चेकअप, सो कम। क्या हुआ डॉक्टर? यहाँ किसके उसमें दम है? किसमें? दिल में। ओह तुम इतने एक्साइटेड लग रहे हो तो तुम्हारा ही होगा। चलो साइड में चाय पीते हैं। लेकिन बात क्या है वो बताइए ना डॉक्टर। वो अंदर जो है वो आपका दामाद है क्या? नहीं, होने वाला है। ओहो, उनका ये क्या है? एक अनजानी जगह चोट लगी है और कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म मतलब? लेफ्ट टूट गया, राइट फूट गया, बीच का मामला पूरा साफ हो गया। ओहो, जरा खोल के बताइए ना डॉक्टर साहब। कैन आई यूज योर लाठी? हाँ ले लो। आप इसके बिना ड्यूटी कर सकते हैं क्या? नहीं, उसका ये काम से गया। 50-50 हो गया ना? हाँ, रिस्क ले सकते हो। मतलब अब नामुमकिन है ना डॉक्टर? तुम्हें नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए मुश्किल है। वो मेरी बेटी नहीं है, ये है। आई फील सो सॉरी। तुम इससे दूर रहो। आर यू श्योर डॉक्टर? मशीन ने ऐसे ही बताया। लेकिन मशीन ठीक ही बताएगी, इस बात की क्या गारंटी है? एक काम करो, अपनी बेटी को रूम में भेज दो, वो खुद बताएगी किस्सा डंडे का। डैडी मैं जाऊँ क्या? जल्दबाजी मत कर, रुक जा। तो ठीक है, इन्हें जाने दो। तुम रुक जाओ, मैं जा सकता हूँ क्या? जाओ। डंडे से बहुत प्यार है। क्या ये तो समझ गए होगे, बस थोड़ा धीरज से काम लो। कहीं आप शादी तोड़ने की बात तो नहीं? एकदम ठीक कहा बेटा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हट्टा कट्टा इंसान और क्या हो गया उसके साथ? ए, काम हुआ कि नहीं? गुड। बेचारे की शादी कैंसिल हो गई, मेरे ही बेटे के साथ ऐसा होना था। आपकी शक्ल क्यों लगी डैडी? मेरी छोड़ तो इस तरह डांस क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं खुश हूँ पापा, अब कोई परेशानी नहीं बची। अरे रे, ओ माय गॉड।
गॉड, लकी सीधा अस्पताल ले गया और सर दर्द खत्म हो गया। इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम थी। ओ ये साहब जी, क्या है? मुझे लगता है इस हादसे से इनका दिमाग खराब हो गया है। मुंह बंद कर अपना। ओए, ज्यादा हो रहा है। आईजी की बेटी से रिश्ता तोड़ने के लिए थैंक्स। क्या कहा? रिश्ता जानबूझकर तोड़ा है तुमने? हाँ माँ, मैं श्वेता से प्यार करता था और उसे शादी करने के लिए आईजी साहब की बेटी से रिश्ता तोड़वाना पड़ा। ये प्रॉब्लम लकी को बताया, उसने ड्रामा किया और शादी टूट गई। यानी कि तू डांस इसलिए कर रहा था कि तेरी शादी टूट गई? और क्या, तो आप लोग क्या समझ रहे थे? क्यों रे, डॉक्टर ने जो बोला वो सच नहीं था। डॉक्टर ने क्या कहा? मैं आप इतना डर क्यों रहे पापा? मुझे शर्म आती है। डॉक्टर से क्या कहलवाया तूने? जो भी कहलवाया हो छोड़ो ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। मेरे सवाल का जवाब दे, बता क्या कहलवाया था, बता। उसने कहा माचिस में अब आग नहीं बची है। मतलब? मतलब वही जो तुम सोच रहे हो। करवाने के लिए तुझे कोई और रीजन नहीं मिला था क्या? नहीं मिला। क्या कहता मैं, क्या कहता, बोलो ना। लड़के में क्या खराबी है? क्या लड़का शराब पीता है, लड़कीबाजी करता है, किसी से रिश्वत लेता है, कोई भरोसा करता मेरा? पूरा डिपार्टमेंट जानता है तुम कैसे ऑफिसर हो, वरना क्या आईजी खुद यहाँ आता तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए? और वो सब छोड़ना, तेरी मेरी नहीं बनती ये शहर का हर एक इंसान जानता है, पर घर से बाहर निकालने के बजाय तू मुझे बैठकर खिला रहा। इस एक रीजन से पता चलता है कि तू अपनी बीवी का कितना ख्याल रखेगा। 24 कैरेट गोल्ड है यार तू, और इसीलिए कोई कमियां है ही नहीं तो झक मार के ये बहाना बनाया। ओए, तेरे खिलाफ कुछ भी कहे ऐसा इंसान हमारे शहर में ढूंढ कर नहीं मिलेगा। बात करता है। ये क्या है माँ? जानकर कोई रेस शुरू मत कर, क्योंकि रेस के घोड़ों पर लगाम लगी होती है, लेकिन मैं बेलगाम, मैं बेलगाम, बेलगाम, लाते। हेलो सर, थोड़ा साइड में हट जाइए ना। भैया के प्यार की वजह से उस दिन किसी आवेश में मुझे पीट दिया था। मारने के बाद कम से कम ये माधव शिवा रेड्डी नाम का आदमी कौन सी तोप है? कोई सादा इंसान नहीं है, वो अभी मरा नहीं है, अस्पताल में ही है, उठकर आएगा और आकर तुझे काट डालेगा। ये नहीं जानता था कि तू? मैं अस्पताल से बाहर आया तो तेरे बारे में क्या सोच रहा था पता है? शिवा रेड्डी से कैसे बचना है, कहां बचना है करके भाग गया होगा। तुझे पकड़ने के लिए कहां कहां ढूंढना होगा और कितने दिन ढूंढना होगा ये सोच रहा था मैं। लेकिन तू तो यहां है रे, जैसे कि माधव शिवा रेड्डी तेरे लाइफ में है ही नहीं, तेरे साथ उसका कुछ हुआ ही नहीं हो, और तू खुशी से बाइक पर शहर भर में इतने नॉर्मल होकर, इतना कूल होकर कैसे घूम रहा है तू? सर आप हैं कौन? क्या मैं आपको जानता हूँ? तू मुझे नहीं पहचानता? आप ये क्या कह रहे हैं सर, शायद आपसे कोई गलत फहमी हो गई। क्या तू सच में मुझको नहीं जानता? मैं आपको नहीं जानता। देखो अब मजाक बहुत हो चुका है, सीरियसली बता रहा हूँ, जो हुआ उस बात को मैं भूल चुका हूँ। मेरी लाइफ में या मेरे माइंड में अब तुम नहीं हो। मेरे भैया को मारने वाली बात मैं भूल चुका हूँ, बेहतर होगा तुम भी भूल जाओ। यही बात मैंने तेरे घर आकर तेरे बाप से भी कही। तुझे बताया ना क्या? नया दुश्मन मत बना शिवा, तू किसी अनजान इंसान से क्यों दुश्मनी मोल ले रहा है? तेरी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। पब्लिक में खबर है कि किसी ने शिवा रेड्डी पर हमला किया और उसे बहुत मारा पीटा, किसी को कोई पक्की खबर नहीं है। अब तू पब्लिक में कहेगा कि मैंने मारा है तो मैं तो हीरो बन जाऊंगा, तू हीरो बना रहे। बेकार में मुझ पर अगर फोकस आ गया तो हीरो मैं बन जाऊंगा, जो तुझे महंगा पड़ेगा।
को मिलने के बाद भी वो अब तक जिंदा कैसे है? उसे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया उसे? पापा पापा बताओ पापा, उसने मुझे मारा इसलिए नहीं पर आपने उसे जिंदा छोड़ दिया, इस पर मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है। शिवा बताओ पापा। शिवा इतना ही गुस्सा है ना? बहुत तकलीफ हुई ना? मेरे दिल में भी गुस्से की आग चल रही है। मेरे बेटे की पिटाई करके मेरे ही सामने बैठकर मुझे ये वार्निंग देकर गया है वो। इससे मेरा खून खौल उठा है। मैं उसे उसी वक्त मार देता, लेकिन क्या तुम इससे खुश होते? नहीं, उसे तुम्हारे हाथों मरना होगा। उसे मारने से पहले उसकी हिम्मत, उसकी अकड़, उसका घमंड, उसे खत्म करना होगा। और ये काम तू करेगा। उसकी वजह से तेरे मंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया बेटा। पहले उसे पूरा करो। उस पर वार करने वाला गुंडा शिवा रेड्डी नहीं होना चाहिए, बल्कि मंत्री शिवा रेड्डी होना चाहिए। तब तक उसे बलि के बकरे की तरह पलने दे। सांप के फन को कुचलने से पहले उसे तिल तिल करके तड़पाएंगे, तब आएगा मजा। हाँ पापा, उसे खुश रहने दो, चाहे जितने खेल खेलने हो खेलने दो, एंजॉय करने दो, मजे लेने दो। उसकी जिंदगी में बाकी बचे कुछ ही दिन उसे अपने तरीके से जीने दो। वो जितना चाहे उछले, जितना घूमे, आखिर उसे मेरे ही हाथों मरना है। मैं माधव शिवा रेड्डी शपथ लेता हूँ। मैं माधव शिवा रेड्डी शपथ लेता हूँ कि इस राज्य के राज्य मंत्री के रूप में, इस राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपनी पूरी निष्ठा से मेरे बेटे को MLC कोटे में मिनिस्टर बनाना है। इलेक्शन में खड़े हुए बिना और बिना जीते आप लोग मिनिस्टर नहीं बनते क्या? उसी तरह आप लोग मेरे बेटे को मिनिस्टर बनाएंगे। इस राज्य में जनता के लिए न्याय का काम करूंगा। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। मेधावी शिवा रेड्डी को पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री पद की कुर्सी। मेरी प्रजा ही मेरा भगवान है। पावर में आने का मजा ही कुछ आ रहा है पापा। तेरी इच्छा पूरी हुई ना? अब भूख लग रही है पापा। भूख लगी है, जा मिटा ले। घटित सच्चाई को इस प्रोग्राम के द्वारा पब्लिक हाँ के सामने लाकर हमने कई लोगों को, हमने सभी को निमंत्रण दे दिए हैं, सिर्फ तुम्हारे डिपार्टमेंट को छोड़कर। दो महीने पहले मेरे पति लापता हो गए थे और आखिर में उनकी लाश मिली। मुझे जिन पर शक है अगर मैं उनके नाम बताऊंगी तो शायद मुझे न्याय मिल जाएगा, ये सोचकर मैं एक ऑफिसर के पास गई, लेकिन उन्होंने बिना संकोच के बोलो। ऑफिसर ने कहा कि मैं इंक्वायरी करूंगा जरूर, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये कहकर मेरे साथ बदतमीजी की। अपने गेस्ट हाउस भी आने के लिए कहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरा किसी और से अवैध संबंध बताकर और मुझे मेरे ही पति का कातिल बताकर मुझ पर केस कर देंगे। तुम क्या उस ऑफिसर का नाम बता सकती हो? उसका नाम है, बताओ, ACP राम। उस नीच को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। What? इसके बाद तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं जहर पीकर खुद आत्महत्या कर लूं। Oh my God! ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़िए। उन्होंने पॉइजन ली है। मुझे एम्बुलेंस बुलाओ, प्लीज जल्दी। ये तो आउट। ऐसे लोगों को सजा मिलना बहुत जरूरी है, तभी समाज साफ हो पाएगा। किसने दिया उसे पुलिस का काम? तुरंत सस्पेंड करके मुंह पर कालिक पोत कर उसे सड़क पर घुमाना चाहिए। जिन लड़कियों को होटल में पकड़ते थे उनसे भी उसका कनेक्शन था सर। वो हर एक बिल्डर से कमीशन खाता है सर। ये क्या एलिगेशंस है? आई एम वेरी सॉरी मिस्टर राम, यू आर सस्पेंडेड। समाज में नहीं रहना चाहिए।
हम सब जानते हैं। यार बुलडोजर चला। क्या कर रहे हैं? ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। रूल के हिसाब से 60 फीट रोड है और आपने इलीगल कब्जा किया हुआ है। हमारे पास सारे पेपर्स है और हमें कोई नोटिस भी नहीं मिला। ये क्या है? आपने रिसीव किया है, इस पर आपका साइन भी है। कोई जानबूझकर करवा रहा है। समझ लीजिए सर, सर बहुत मेहनत से बनाया सर, सर तुम रास्ते पर आ जाएंगे सर। आप रुक जाइए, बस एक घंटा रुक जाइए। ये काम आप जिसके ऑर्डर पर कर रहे हैं मैं उन्हीं से फोन करवाऊंगा। दो घंटे का टाइम ले लो और जाकर फोन करवाओ। मुझे अर्जेंटली शिवा रेड्डी से अपॉइंटमेंट है तेरे पास। उस कुत्ते से मिलने के लिए क्या अपॉइंटमेंट चाहिए? ए शिवा रेड्डी, मैं नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं तू मेरी बात सुन रहा है। यस ए शिवा रेड्डी, नहीं जा सकता। ए ए आने दो उसे, ये खेल रोक दे शिवा, बहुत पछताएगा तू। कौन हो भाई तुम? कौन हो भाई तुम? किसी पार्टी से हो क्या? हां अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो ऑफिस आ जाना। ओके ए ए गुंडागर्दी मैंने अपने पापा से सीखी है और राजनीति मैंने तुमसे सीखी है। सिर्फ तेरी फैमिली है, हमारी फैमिली नहीं है। अरे हाँ फैमिली। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? वहां पर तो असली प्रॉब्लम हुई है स्टार। अरे जाओ देखो वहां पर क्या हो रहा है। जीप ले जाने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा भाई था। मेरा भाई? तुम पर भरोसा करके मैंने गलती की, तुमने भी धोखा दिया। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। रहने दो राम, मुझे कोई सफाई मत दो। अब और अपने भाई को बचाने की कोशिश मत करो। मेरा बेटा उस दिन नहीं मरा था, आज मरा है। तुम्हारी वजह से मर गया, तुम हो उसके कातिल। जीप उस दिन तू ही ले गया था। जीप तू ही ले गया था या नहीं? नहीं। पता है उसमें क्या था? शिवा रेड्डी के सारे काले कारनामों के सबूत थे उस जीप में। ए, सच्चाई क्या है तू नहीं जानता? शिवा रेड्डी तुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने मारा उसे। उसी का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। मानता जीप चुराना गलत बात थी, लेकिन वो मार देता तुझे। जिस दिन खाकी वर्दी पहनी थी उसी दिन मैंने कफन पहन लिया था। मौत से डरा रहा तू मुझे? तू कोई भी बहाना बना ले, तेरी गलती छिप नहीं सकती। एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर की ईमानदारी पे कीचड़ उछलवाया तूने। एक गुंडे और पुलिस ऑफिसर के बीच हुई प्रॉब्लम में पता है तूने क्या किया? तू हमारी फैमिली को घसीट कर ले आया। तेरे बचपने की वजह से हमारी फैमिली आज सड़क पर आ गई है। मेरा जॉब और मेरी इज्जत जाने की वजह तू ही है। मेरी गलती नहीं है यार। मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं कह कह कर तूने मेरा कैरेक्टर ही गलत साबित कर दिया रे।
अपनी गलती को तू पहले से ही जानता था और उसी गलती को छुपाने के लिए तूने प्यार का नाटक किया और अपने इस भाई को इतना बड़ा धोखा दिया। आर यू हैप्पी नाउ? अरे नहीं भाई, तेरी परछाई भी हम लोगों पर नहीं पड़नी चाहिए। निकल जा। अरे तुम्हें क्या हुआ? अरे संभालो अपने आप को। माधव शिवा रेड्डी। लेकिन मुझे ऐसे मत बुलाना। Now call me, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री। You are very lucky fellow यार। यही अगर गुंडा शिवा रेड्डी होता तो कब का तू मर चुका होता। गुंडागर्दी में क्या एक फटका मारा जान निकल जाती है, लेकिन 24 आवर्स में एक फैमिली फिनिश, 24 आवर्स में एक पुलिस वाले की जिंदगी फिनिश, 24 आवर्स में लीगली बनाया घर गोल, 24 आवर्स में ही तेरी जिंदगी भी उल्टी लटक गई। यही होता है पावर का मजा। दिस इज शिवा रेड्डीज पावर, पावर गेम, पावर 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 कहके अब तू मुझसे जुड़ गया है। रेस शुरू कर दी है तूने माधव शिवा रेड्डी। नाइस नेम। तू भी मेरी तरफ पागल है क्या? यस। तो चल दोनों रेस में दौड़ते हैं। तुम्हारे लोगों में मैं किसको मारूंगा, कब मारूंगा, कैसे मारूंगा मुझे भी नहीं पता। पर मुझे तुम रोकोगे। रोक के दिखा। बचा लो, उनके मरने के बाद तेरी ही मौत है। संभाल कर शिवा रेड्डी। रेड्डी अंकल अपने बेटे को संभालना, अगर इसे कुछ हुआ तो आपकी गर्दन उड़ा दूंगा। पावर मंत्री सड़क बहुत खराब है, सीट बेल्ट लगा लेना। ओह माय गॉड, जल्दबाजी में इसे उठा मत लेना। मंदिर में 1000 नारियल चढ़ाऊंगा, इसे जिंदा रखना भगवान। इसकी जान अब आप नहीं लोगे, इसकी जान लेगा ये लग के। ए बारिश आ गई, संभल कर ड्राइव करना रे। हैप्पी जर्नी। तुझसे कहा था ना मुझसे रेस मत शुरू करना शिवा रेड्डी। भाग साले भाग, वरना तेरी पॉलिटिकल पावर को ये बेलगाम घोड़ा अपनी हॉर्स पावर से मारेगा। छोटे भाई, छोटे भाई, बाप रे, ओह माय गॉड। अब मैं गांव जा सकता हूं मिनिस्टर। पूरी फैमिली को क्लीन बोल्ड कर दो। बेवकूफ, उन लोगों को सीधा यहाँ से शमशान पहुंचाने का था। अरे अरे ये क्या हो गया? ये खुद भी नहीं रहा। दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है? जोर से चलाओ और उड़ा दे उन्हें। अरे कोई बचाओ। अब रुकने का नहीं। चल दरवाजा खोलो। तोड़ दो दरवाजा। तुम स्पीड आगे बढ़। Bring the action. Oh my god!
इंस्पेक्टर लकी के एरिया में राउडीज़म। ये पुलिस ऑफिसर कैसे है? स्टार्ट बड़ी ऑन, शुरू करो। ये क्या चल रहा है? अरे जल्दी लाओ मशीन लाओ। ओके ऑलराइट। करंट लगा साले। डॉक्टर इसे क्या हुआ है? डॉक्टर इट्स लुकमिया कैटोनस पुलासिस द चैम्बर ऑफ एलेक्सजेड ऑफ 8-4- इट्स फाइनली ब्लड कैंसर। एक के अलावा चार लड़कियों के साथ घूमने पर होने वाली बीमारी है ना? नहीं नहीं दैट इज लवेरिया। ये किस स्टेज पर है डॉक्टर? आखिरी स्टेज पर हूँ। अरे मेरे छोटे भाई ऐसा मत बोल। अरे डॉक्टर चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर। आई ओ शिट। ओ राजा तुम्हारे दिए क्रेडिट से हाई कमांड ने मुझे होम मिनिस्टर बना दिया। भले ही इस राज्य को बेचना पड़े मैं तुम्हारा कर चुकाऊंगा। हेलो यू नो वी आर झकास, मत कर बकवास। आई एम स्पेशलिस्ट ऑफ दिस। बचना मुश्किल है। मेरे राजा को बचाने का और कोई चांस नहीं है। Only 2 days. उनकी कोई इच्छा है तो पूरी करके भेज दो। हे भगवान। राजा, इन 2 दिनों में तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो? लड़कियाँ चाहिए, डॉग चाहिए क्या, क्लब चाहिए क्या, हेलमेट चाहिए क्या? अरे क्या चाहिए बताओ। अरे ये सब बोलोगे तो जॉइंट में जोर लगेगा, जल्दी मर जाएगा। नहीं मरने दूंगा, आखिरी इच्छा पूरी होने से पहले नहीं मरने दूंगा। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बताओ मुझे राजा, बताओ ना राजा। हमारे देश को क्रांति की जरूरत है सर। सोचा था पुलिस ऑफिसर बनकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आगे बोलो। मेरी आखिरी इच्छा है कि जिंदगी में पुलिस ऑफिसर बन जाऊं सर। पुलिस? लेकिन 2 दिनों में तुम पुलिस ऑफिसर कैसे बनोगे? रिलैक्स हो जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अब होम मिनिस्टर सिर्फ इनकी ही वजह से है, इनकी दी हुई भीख है और दो दिन में ये मरने वाले हैं। ये जानकर भी अब इनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। इनकी आखिरी इच्छा पूरी कीजिए ना बाबा। बोलिए ना, बोलिए ना बाबा। अपने दिल्ली में एक बच्चे को कैंसर हुआ था तो उसके एक दिन के आईजी बनने की ख्वाहिश को पूरा कर लिया था। मैंने भी टीवी पर ऐसा सुना था। और केरिया में एक एड्स के पेशेंट टेररिस्ट बनना चाहता था, उसकी पूरा पूरी कर ली सर। वो भी टीवी पर आया था। सिर्फ इतना ही क्यों, मुझे भी तो डॉक्टर बनाया ना। जैसे आपको भी तो होम मिनिस्टर बनाया। या राजा रिलैक्स। राजा क्या एक दिन पुलिस ऑफिसर बनकर मैं आपके लिए पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता सर? राजा राजा God. राजा ये तुम्हारी सर्विस क्या है मैं जानता हूँ। छोटे बच्चों को स्कूल लेकर जाना, अंधों को रोड पार करवाना। राजा जब तुमने आम आदमी रहकर ये सर्विस की तो मैं होम मिनिस्टर बना। तुम पुलिस ड्रेस पहनकर सर्विस करोगे तो मैं किस लेवल तक जाऊंगा ये सोचो राजा। सुन छोटे, अब मैं तुझे स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना रहा हूँ। ये एक होम मिनिस्टर का वादा है। तुम 2 दिन के पुलिस ऑफिसर बन चुके हो। बैच नंबर 78, रोल नंबर 60, ट्रेंड इन देहरादून। ये मेरा सीक्रेटली तैयार किया गया वेपन है। आपकी मर्जी हो या ना हो इस वेपन को यूज करना ही होगा। 2 दिन के लिए एज ए पुलिस ऑफिसर इसे आपको स्वीकारना होगा। एक्सक्यूज मी सर, आप भी तो अभी अभी होम मिनिस्टर बने हो, फिर आपने इसे कब तैयार किया? इसकी इतनी औकात नहीं है सर। अच्छा तो इसकी इतनी औकात नहीं है? अपने आप को देखो, ये पेट है या तरबूज है? होम मिनिस्टर की बात नहीं मानोगे तुम? ओके सर, ओके। एनी डाउट्स? 48 आवर्स। तुम सिर्फ एक मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं रहे, तुम एक होम मिनिस्टर बन चुके हो। माय गॉड, एंटायर डिपार्टमेंट लकी को ही फॉलो करेगा। और कुछ चाहिए क्या सर? सर मुझे एक फ्रस्ट्रेटेड पुलिस ऑफिसर्स की एक स्पेशल टीम चाहिए सर। इतनी सी बात? ग्रांटेड, ग्रांटेड, ग्रांटेड। तुम्हारे ऑर्डर्स अगर कोई मानने से इनकार करता है तो इनसे उसकी बैंड बजा दो। 2 दिन है तुम्हारे पास, जो मन में आता है कर सकते हो। राजा मैं तुम्हें बस 2 दिन के लिए खुश देखना चाहता हूँ। सर एक बॉल फेंकनी रह गई सर। हाँ तो फेंक। 48 घंटों तक मेरे लिए इस दुनिया से कांटेक्ट छोड़कर एक चंडी यज्ञ कीजिए सर, तो मेरे बचने के चांसेस 1% से बढ़ जाएंगे। मेरे लिए इतना तो कर देंगे ना सर, प्लीज सर। यज्ञ शुरू हो गया है, जाकर लोगों की सेवा करो। अब 48 घंटों तक मैं ना किसी को दिखाई दूंगा और ना ही किसी को सुनाई दूंगा। पूजा स्टार्ट। हरे राम राम राम। इन 48 घंटों के लिए आप खुद अपने बॉस हैं। अगर मैं 48 घंटों के लिए आपको सारी पावर्स दूं तो क्या करेंगे? देखकर तो देखिए सर। जी सर। आप लोगों की ये सिंसियरिटी देखकर ही मैंने आप सभी के नाम सिलेक्ट किए हैं। आपको अल्टीमेट पावर्स इश्यू कर रहा हूँ। एक ही मकसद हो,
बस जी भर के ड्यूटी करनी है। सही है सर, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्रिमिनल मिनिस्टर शिवा रेड्डी। टारगेट पसंद आया सर? मुझे तो ये लोग भी पसंद आए, मुझसे ज्यादा तो इन्हें उस पर गुस्सा आ रहा है। उस शिवा रेड्डी को मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, चींटी की तरह मसल दूंगा। नो मोर डिस्कशन सर, बिल्कुल सही टारगेट दिया है सर। उस शिवा रेड्डी को दौड़ा दौड़ा कर पूरे शहर के सामने मारूंगा, उसके इलीगल धंधों को तबाह कर दूंगा सर। Yes, what next? Come on, tell me. Come on, tell me. Come on, tell me. बहुत फ्रस्ट्रेशन में लगते हो? Yes. फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? मेहनत करके किसी को रंगे हाथों पकड़ो तो नेताओं का प्रेशर। दिल्ली में गैंग रेप करने वालों को सजा देने के बजाय उनसे बातचीत किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? आप मुझे पसंद आए सर, आपने मुझे पावर दी। चुटकी चुटकी बजा के सबकी बैंड बजा दूंगा। आप हो कौन? पांडे, किल बिल पांडे। आज ड्यूटी पर आने की वजह क्या है? शिवा रेड्डी का फैसला जो करना है। उसका फैसला करने में मुझे बहुत खुशी होगी। मी टू। टारगेट ऑन। हमारा टारगेट सिर्फ शिवा रेड्डी है। जब तक उसकी जड़ें खोद न लूं, हमारी फोर्स नहीं रुकेगी। यस सर। किसी की बात नहीं सुनेगी। यस सर। वी डोंट हियर एनीबॉडीज ऑर्डर। ओ माय गॉड। They call me Kill Bill Pandey, Pandey. Kill Bill Pandey, Pandey. Sir, सबको अरेस्ट कर लो। ये स्पेशल कपड़े? स्पेशल टीम है, स्पेशली मैंने डिजाइन किए। आप भी एक पहन लो सर। मस्त लगा आइडिया। थैंक यू वेरी मच। सबके लिए जीप में जगह कम पड़ रही है सर। एक को छोड़ दो। No! Oh my God! ने तो इन्हें ऊपर पहुंचा दिया। इसमें क्या गया सर? बस गिनती के चार बुलेट्स। एक्स्ट्रा लगेज थी। थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई। आप तो है ना सर। ऐसे ही चला तो मैं भी नहीं बचूंगा। थोड़ा सा कंट्रोल करो बिल। नहीं हो सकता सर, फ्रस्ट्रेशन। 10 साल हो गए जी भर कर ड्यूटी किए। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? लकी तो एक बार फिर गलती कर रहा है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के गिरेबान पर हाथ डालने से क्या होता है? हमारे ऑफिसर की बेइज्जती। अरेस्ट है भैया। अंदर रहेंगे तो ही हम ड्यूटी ठीक से कर पाएंगे। भैया, शिवा रेड्डी से जुड़े सारे काले धंधों पर हम रेड करेंगे। सारे एक साथ होंगे। सर, ये शिवा रेड्डी का ऑडिटर है। स्टेट में शिवा रेड्डी के बहुत सारे इलीगल कारोबार चल रहे हैं जिन्हें रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है सर। मुझे तो सिर्फ दो तीन ही मालूम है जो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कैसे पता लगाया जाए? उसी से बुलवा लेते। उससे ही बुलवा लेंगे? पर कैसे? अटैक। Good. Frustration. Oh my God. Frustration, sir. Frustration. कौन है तुम लोग? Special Rapid Force. पता ये फैक्ट्री किसकी है? मिनिस्टर शिवा रेड्डी की। ये शिवा रेड्डी कहेगा तो ही मानूंगा। सर, मुझे आपका प्लान कुछ समझ नहीं आया। किल बिल पांडे। स्पेशल ऑफिसर कौन है वो? फोन दो उसको जरा। सर, सर, ये फैक्ट्री आपकी है सर? हाँ बे गधे, वो पूरी फैक्ट्री मेरी ही है। सर, मुझे तो पता ही नहीं था। कौन हो बे रेड डालने वाले? सेंट्रल ने अपॉइंट की हुई स्पेशल रैपिड फोर्स सर। स्पेशल रैपिड फोर्स? एसआर मतलब आप ही हैं सर? सर मतलब मैं ही हूँ, शिवा रेड्डी। हमें नहीं पता था सर। मैं तुम्हारे सीनियर से बात कर लूंगा, तुम पहले वहाँ से बाहर निकलो। अभी निकलता हूँ सर। रिएक्शन, नेक्स्ट अटैक। सर, नकली दवाई एक्सपोर्ट करता है सर। ये गोडाउन मिनिस्टर तिवारी का है। किल बिल कंट्रोल। नो, लिसन टू मी प्लीज। अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाओ किल बिल। अरे वो किसकी है ये जानकर रेड मारो ऑफिसर। शिवा रेड्डी सर, ये फैक्ट्री भी आप ही की है? हाँ, वो भी मेरी ही। एक्सट्रीमली सॉरी सर, उसने तिवारी कहा ना इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ये शिवा रेड्डी की ही फैक्ट्री है। नेक्स्ट अटैक। You bloody rascal! अरे ये भी आपकी फैक्ट्री है सर? हाँ मेरी है, मेरी है, मेरी है। एक किल बिल पागल है क्या? फिर से शिवा रेड्डी की फैक्ट्री में लेकर आ गया। सर, हमें जैसी लिस्ट मिली है उस हिसाब से रेड मार रहे हैं। इसमें से कौन सी आपकी हमें नहीं पता। ओ, तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? काम कीजिए ना, आप अपनी प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट बनाइए, हम वहाँ कदम भी नहीं रखेंगे। हाँ आइडिया अच्छा है, तुम आकर लिस्ट लेकर जाओ। आ जाओ, आ जाओ। सर जी, वो लिस्ट लेने तुम जाओ। Frustration, 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 frustration.
तुम हो स्पेशल ऑफिसर? तुम शिवा रेड्डी हो? तुम शिवा रेड्डी हो? ए, तू इत्तु सा है और मेरा बॉस हो? सोच रहा है मिस हो गया क्या? मिस कर दिया है। बुलेट देखने में मेरे जैसे ही दिखते, घुसने के बाद गहराई दिखती है। और गुस्सा मत दिलाओ, पूरी तरह खत्म हो जाओगे। लिस्ट। तुम्हारा स्टाइल मुझे पसंद आया। लिस्ट दे दो भाई। संभल कर देखना। हैप्पी दिवाली। उसके लिए तो अभी टाइम है ना। आपके लिए जल्दी आने वाली है। क्यूट बॉय, आई लव यू। का फ्रंट देखो तो म्युनिसिपैलिटी, बैक देखो तो वर्स्ट पर्सनालिटी। ये स्पेशल ऑफिसर कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं वो टाइम बम हूं जिसके फटने का कोई टाइम नहीं है डूड। ऑपरेटर्स, सभी चैनल्स को फोन करो। कॉन्टैक्ट द मीडिया इमीडिएटली। हेलो, अपने चैनल्स का टीआरपी बढ़ाना चाहते हो? मीडिया का पावर क्या है दिखाना चाहते हो? यस ऑफ कोर्स। देन फॉलो अस। आप कौन है? स्पेशल ऑफिसर चार्ज। फैक्ट्री शिवा रेड्डी की है, यहाँ नकली शराब बनाई जाती है। यस। अच्छा है। ए, तुम लोग फिर से आ गए? तेरी बैंड बजाने आए बच्चू। ये क्या लगा रखा है? ये फैक्ट्री शिवा रेड्डी की है जो वो तिवारी के नाम से चला रहे थे। आग लगा देंगे। राज्य में स्पेशल टीम की हलचल। पावर क्या होता है आप बताएं। हमें खबर मिली कि ड्रग्स के स्मगलिंग में ये शामिल था। हम शिवा रेड्डी के लिए काम करते हैं। उड़ा दो उसे। मिनिस्टर मेधावी शिवा रेड्डी द्वारा चलाया ऐसा फैक्ट्री में पाई गई नकली शराब रेड करके फैक्ट्री को सीज किया स्पेशल टीम ने और उनकी दूसरी फैक्ट्री में नकली दवाइयां भी बरामद हुई। शिवा रेड्डी के सारे काले कारनामे सामने आ रहे हैं। वो जनता का सेवक है या देशद्रोही, आप फैसला कीजिए। लाइव अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। ए, मेरी फैक्ट्रिया। अरे क्या हो रहा है भाई? ये पूरा काम किरवी पांडे का है। फोन लगाता हूँ उसे। शिवा रेड्डी का फोन? क्या आप लोग शिवा रेड्डी से कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर। शुरू हो जाइए। लिस्ट ले जाकर मेरी फैक्ट्रियों की वाट लगा दी। क्या आप मानते हैं? हाँ बे, मैं शिवा रेड्डी हूँ। वो क्या, ये सारी इलीगल फैक्ट्रियां आप ही की है? अबे कदे कहा था ना, वो सारी फैक्ट्रियां मेरी ही है। शिवा रेड्डी तू तो गया रे। ए, कौन हो तुम लोग? रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। ये सब काले धंधे उन्हीं के हैं, ऐसा उन्होंने फोन पर कहा है। अब वो साला होम मिनिस्टर को फोन लगा। होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। शिवा रेड्डी से जुड़ा कोई फोन मत लेना, सब फोन टैप हो रहा है। सर ये सारे वेपन्स एडवांस्ड हैं सर। एक्सचेंज। इट्स ओके। चाहिए नहीं कोई रीजन, चलो देखो हर सीजन। ये कंस्ट्रक्शन साइट शिवा रेड्डी साहब की है। इलीगल कंस्ट्रक्शन। ये रोक दो। ओह माय गॉड। बेलगाम है लकी तरह सर पे लगाम है।
वाले किलविल पांडे, सिंघम का नया अवतार है किलविल पांडे। शुरू किया ऑपरेशन, देखो इनका सुपर एक्शन, सबको दिखा था दिलचस्प लकी तरह से। अगला अटैक करो किलविल पांडे के इस अवतार से। फैमिली, यहाँ तक कि मिनिस्टर भी डर रहे हैं। ये सारे बैग यहाँ से बाहर निकाल दो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के पास जो हथियार है उन्हें मारो। मिनिस्टर के घर में गैर कानूनी हथियार, कैच इट। चीटिंग, चीटिंग। यस यस। राजनीति के गुरु माने जाने वाले शिवा रेड्डी बेईमान निकले। शिवा रेड्डी, शिवा रेड्डी। शिवा रेड्डी के पिता बेबी रेड्डी को स्पेशल टीम ने रंगी हाथों पकड़ा। होम मिनिस्टर, स्टेट में क्या क्या हो रहा है कुछ अंदाजा है? क्या हो गया सर? तुमने किसी स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है? मैं क्यों विश वाला, वो एक कैंसर पेशेंट है सर, प्रजा की सेवा करने का सोचकर परमिशन दे दी। अरे सर ये क्या कर रहे हैं? शिवा रेड्डी को टारगेट करके सबकी बजा रहा है वो। तुम्हें एक घंटे का टाइम दे रहा हूँ, देखते ही गोली मारने का ऑर्डर निकल दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम उसे रोको ना। क्यों रोके? तुम्हारे जैसे बेकार नेता जब हमारे सर पे होते हैं तो हमारी ऐसी हालत हो जाती है। ड्यूटी पर होते हुए भी तुम लोग हमें कमजोर कर देते हो। उसने भले ही धोखा दिया हो लेकिन उसने ड्यूटी बखूबी निभाई है। पुलिस की पावर क्या होती है ये बताया उसने। अब आप अपनी कुर्सी संभालो, सुबह तक तो वो सब साफ कर देगा। तो फिर अब उसे रोकेगा कौन? इस तरह के मुश्किल भरे हालात में उसे रोकने की हिम्मत सिर्फ तुझ में है भाई। सर, मेरे उसके बीच कोई संबंध नहीं है। अरे बंद करो अपना फैमिली ड्रामा। एक की बजाने के पीछे वो पूरे स्टेट को हिला रहा है। मीटर की बात हुई थी, वो किलोमीटर तक आग लगा रहा है। तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? मैं कॉमन मैन हूँ, तुम्हें मैं फुल पावर्स दे रहा हूँ ना भाई। तुम्हारा भाई गलत काम कर रहा है कि नहीं तो उसे रोकोगे ना तुम? कई सालों से चल रहे शिवा रेड्डी के अवैध धंधों को दो ही दिनों में स्पेशल टीम ने धूल चटा दी है। मंत्री शिवा रेड्डी को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। पता नहीं चल पाया इसके पीछे कौन है। कौन है वो साला? कौन है वो साला? कौन है वो साला? मैं हूँ, मैंने किया वो सब। क्या मैं तुझे शक्ल से बेवकूफ लग रहा हूँ? तेरे पीछे जो भी खड़ा है उसे मुझे अभी देखना है इसी वक्त। बता दे कौन है वो? बता कौन है? यू आर राइट। बता बे कहाँ है वो? तुम्हारे अंदर है वो, तुम्हारी धड़कन में है वो। इस आवाज को सुनो, विजुअल तुम्हें खुद दिखाई देगा, तुम्हें सुनाई देगा। क्लोज योर आईज, लो सुनो। माधव शिवा रेड्डी, नाइस मीटिंग यू अगेन। स्पेशल ऑफिसर कैसे बना बे तू? बिना इलेक्शन के तू मिनिस्टर कैसे बना? वाह! चीटिंग करके पुलिस ऑफिसर बना तू? एग्जैक्टली। पावर पावर करता था ना, पावर से ही मार दिया तुझे। सर आप फेक पुलिस ऑफिसर हो? समझने में थोड़े लेट हो गए किलबिल। मैं ऐसा ही हूँ सर, हमेशा लेट हूँ। तो ये गवर्नमेंट मिशन नहीं था सर? नो, मेरा पर्सनल बदले का मिशन। बेलो रे, मैं भी कितना बड़ा कदा कुत्ता कमीना हूँ। अरे मुझे माफ कर दे रे। मंत्री शिवा रेड्डी को तूने फिर से गुंडा शिवा रेड्डी बना दिया है रे। ये है गुंडा शिवा रेड्डी का पावर। उठ बे, उठ बोला ना। हाँ।
अभी मारना मत यार, बहुत हो गया। मेरा टाइम अभी हो गया है। करेक्ट है यार, मेरा टाइम भी हो गया। अब तक तो पुलिस भी मुझे ढूंढ रही हो। अरे वैसे तू कैसे? हे लकी, चीटिंग है। अच्छा, तुझे अरेस्ट करने के बाद मेरा मिशन कंप्लीट होगा, है? मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा। ओह माय गॉड, कौन है वो? सबको बेवकूफ बना दिया। शिट, सबको चीट करके पूरे शहर का नक्शा बदल दिया उसने। अब नहीं छोड़ूंगा उसे। यहाँ सरकार एक ईमानदार ऑफिसर को क्या जवाब देगी? आपने दोबारा वापस ज्वाइन क्यों किया है? ये सब सरकार आपसे करवा रही है या आपका सेल्फ एजेंडा है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लकी, तूने सिर्फ मुझे ही नहीं छेड़ा, सीएम को, होम मिनिस्टर को, पुलिस वालों को, गवर्नमेंट को भी छेड़ा है। यू आर फिनिश्ड। नमस्कार सीएम साहब। लकी, अब तेरी लग गई। तुमने इतना सब किया, कुछ ही घंटों में पूरी गवर्नमेंट को ही हिला दिया, सीएम को अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अरे तुम्हारी वजह से समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाकर मैं पाऊँ? यहाँ कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। मेक अ विश कहकर तुझ पर भरोसा करके तुझे आगे कर दिया और तूने मेरे ही पीछे छुरा घोंप दिया। सीएम साहब, मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम चुप रहो। तुझे पता है तूने कितना बड़ा क्राइम किया है? इसके लिए तुझे उम्र कैद होगी। इसने जो क्राइम किया उसके लिए उम्र कैद की जरूरत नहीं है, इसे तो फांसी होनी चाहिए। सर, इसे तो मीडिया के सामने फांसी होनी चाहिए। करेक्ट सर, इसके लिए यही सजा ठीक है। ले जाओ इसे। बाय लकी। सर, अगर आप परमिशन दें तो मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ कि इसने क्या किया है। इसके करतूत सबको बताओ। सर, बाहर जो लोग खड़े हैं वो समझते हैं कि सीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या मैं उनसे कहूँ कि ये सीएम साहब का काम नहीं था? इसका दिमाग खराब हुआ और इसने गवर्नमेंट को चीट करके ये सब किया। मीडिया से ये कह दूं सर, होम मिनिस्टर ने ही पुलिस डिपार्टमेंट से ये काम करवाया, ये सब कह रहे हैं। हम सब बेवकूफ हैं, बेअकल हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये जिम्मेदारी उठाई एक कॉमन मैन ने और उसने हम सबको धोखा देकर ये काम किया, ऐसा बता दो मीडिया को। सर, बाहर जो पब्लिक खड़ी है वो कह रही कि अगले इलेक्शन में भी वोट इसी गवर्नमेंट को देगी। मैं बाहर जाकर कह दूं कि ये काम इस गवर्नमेंट ने नहीं किया, बता दो क्या सर? किसी और गवर्नमेंट ने जो काम नहीं किया वो इस गवर्नमेंट ने कर दिखाया। ये पब्लिक क्या कह रही है? सीएम और होम मिनिस्टर ने मिलकर जो निर्णय लिए और पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अच्छा काम किया वो वाकई काबिले तारीफ है। अगले इलेक्शन में भी हम इसी गवर्नमेंट को वोट देकर इसी सीएम को दोबारा हम चुनेंगे। नहीं किया, वो इस पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अच्छा काम किया वो वाकई काबिले तारीफ है। 48 घंटे में अगर इस सरकार ने इतना कुछ किया है तो सोचिए अगले 5 सालों में कितनी उन्नति कर सकती है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूं। होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। मैं जानता हूं मेरे भाई ने गलत काम किया है। यस, इसका चुना रास्ता गलत था, लेकिन ये सही है। He's right. Lucky, you're right. तूने कोई गलती नहीं की। सिर्फ आज ही नहीं, मेरा भाई हमेशा से राइट था। मेरे भाई ने ही चीट करके ये काम किया है, मैं ये बात मीडिया के सामने गर्व से कहूंगा। आ जा। Hey, कहां लेकर जा रहे हो? इसे किसने अपॉइंट किया है, भूल गए तुम? मैंने। मतलब? मेरी गवर्नमेंट का लिया हुआ फैसला था। यस। सर, मुझे मीडिया के सामने जाने दीजिए सर, मैं अपनी गलती कबूल कर लूंगा। किस कमीने ने कहा कि तुमने गलती की? गलती तो उसने की, तुमने तो रोका, लेकिन ये मीडिया को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने आपको चीट किया, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे जाने दीजिए सर। रुको। तो फिर मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं। ए, डिमांड्स, डिमांड क्या है? बताओ क्या है? ये स्पेशल टीम ऐसी ही रहेगी, इसमें किल बिल हेड होगा। मुझे अमेरिकन वीजा चाहिए। अमेरिका क्यों जाना? तुम्हें पुलिस की नौकरी देता। तुम सब दोगले हो। मुझे नहीं चाहिए सर। व्हाई? मैंने पावर्स को अपने हाथ में लिया, इसीलिए ये सब कर पाया।
मेरे भैया की तरह सिंसियर ड्यूटी करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को एक बार फ्रीडम देकर देखिए, रिजल्ट इससे 50 गुना ज्यादा होगा। तुम मामूली इंसान नहीं हो राजा। आप भी कौन से मामूली इंसान हो, स्पेशल ऑपरेशन के हेड। आप ही तो ना सर। ओह माय गॉड। ये मैटर सिर्फ हम चारों के बीच ही रहना चाहिए। यस। तो उसका क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बेचारा बहरा है, छोड़ दो इसे। हाँ, छोड़ दो, छोड़ दो। तो पीछे के रास्ते भाग जाओ। हथकड़ी खोलो इसकी। जल्दी जाओ राजा। बेवकूफ सर। के जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। रुक जाइए, आपके सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा, बस मुझे जो कहना है वो कहकर रहूंगा। कभी भी कोई भी क्राइम हो तो प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आप लोगों से बड़ा कोई नहीं है यहाँ। अन्याय का सामना कीजिए और हम जैसे पुलिस वालों की मदद कीजिए। किलबिल पांडे। तो फिर मेरे डैडी फिल्म दिखाएंगे ना।